सर। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में स्कैटरिंग स्टार्ट किया था। स्कैटरिंग के लिए आपको डेफिनेशन डिस्कस करना था, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन का। तो आपको ये नोटेशंस लास्ट लेक्चर में हिंट किए हैं कि व्हाट रिप्रेजेंट डीएन। डिस्टेंस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। पर यूनिट टाइम इनटू सॉलिड एंगल डी ओमेगा और इनटू एन इनफाइनाइटेसिमल एरिया। डी ए जो सॉलिड एंगल डिफाइन करने के लिए आपको यूज किया था, डी ए बाई आर स्क्वायर से। स्मॉल एन आपको नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर, ये पॉइंट लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गए हैं, द नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स। जे इंसिडेंट भी आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया था, इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स। फ्लक्स आपको बताता है यहाँ पे पार्टिकल फ्लक्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर टाइम, बट यहाँ पे इंसिडेंट पार्टिकल्स का नंबर आ गया है, द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो यहां से आपको ये हिंट किया था कि डी एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एन, जे इंसिडेंट एंड डी ओमेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन एलिमिनेट करेंगे तो आप कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, डी सिग्मा बाई डी ओमेगा। और इस डेफिनेशन इस पार्ट को यूज करके आप डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डिफाइन करेंगे, दैट इज वन बाई एन जे इंसिडेंट डी एन बाई डी ओमेगा। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन नेम आप यहाँ पे यूज करेंगे। इसके नेम को भी अभी एक्सप्लेन करेंगे, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। एक तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन वर्ड फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और डिफरेंशियल वर्ड इसलिए है क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में उसका कंडीशन डिफरेंट आएगा। अगर आप यहाँ पर कोई टारगेट ले रहे हैं और टारगेट से एक बार आपने इनफाइनाइटेसिमल एरिया डी ए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे कंसीडर किया और सेम एरिया फिर आपने इस डायरेक्शन में कंसीडर किया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का कंडीशन इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में स्कैटरिंग टारगेट के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट आएंगे। तो कंट्रीब्यूशन डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है डिफरेंशियल। तो यहाँ पे इसका यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आएगा और डिफरेंट डायरेक्शन में कंडीशन डिफरेंट होगा, इसलिए इट मीन्स डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा कंडीशन। तो यहाँ पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन वर्ड आप यूज कर रहे हैं। कैसे यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इसका यूनिट है तो आप कंपेयर कर सकते हैं दिस टर्म नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से भी ये कंडीशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम आना चाहिए। यूनिट ऑफ डी ओमेगा सॉलिड एंगल का यूनिट आप स्टेरियो यूनिट लेते हैं बट वो यूनिटलेस होता है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और वन बाई यहाँ पे आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इट मीन्स आर स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये टर्म ये रेशियो यूनिटलेस बन गया, मीटर स्क्वायर बाई मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट होकर यूनिटलेस हो गया। तो डी ओमेगा यूनिटलेस है, ये पार्ट यूनिटलेस है और ये टर्म का यूनिट है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का जो यूनिट बनेगा वो
पर यूनिट टाइम, पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम बनना चाहिए। वो आप चेक कर सकते हैं, ये नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर को वन कर दें तो ये टर्म आप जे इंसिडेंट का भी डेफिनेशन आपको हिंट किया, दिस टर्म रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम फाइंड करने के लिए आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो तभी हो सकता है जब इस पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट के लिए यूनिट एरिया का बने तो ये प्रोडक्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम बताएगा। तो आपको यहाँ से आपको कन्फर्म हो गया कि डी सिग्मा बाई डी ओमेगा हैज द यूनिट ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन एंड कंट्रीब्यूशन फॉर दिस डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डायरेक्शन, सो दिस इज नोन एज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। और इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के। रिप्रेजेंट करेंगे डी सिग्मा बाई डी ओमेगा से, और जब डिफाइन करेंगे तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सिस्टम रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। अगर यहाँ पे आप इस जे इंसिडेंट को यूनिटी कर दें, नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर्स को यूनिटी कर दें, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल का कंडीशन बताएगा इस पर्टिकुलर सॉलिड एंगल में पर यूनिट टाइम। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट स्कैटरिंग सेंटर पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स यहाँ पे ये पार्ट इंक्लूड हो गया इनटू एन एलिमेंट्स, और पर यूनिट सॉलिड एंगल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल स्कैटर्ड, ये वर्ड ऑल्सो नोट किया है स्कैटर्ड इनटू एन एलिमेंट ऑफ सॉलिड एंगल डी ओमेगा, और ये डी ओमेगा के लिए आपको इनफाइनिटेसिमल एरिया डी ए चाहिए। तो इनफाइनिटेसिमल एरिया डी ए में पर यूनिट टाइम, पर यूनिट स्कैटरिंग सेंटर और पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स कितने पार्टिकल का कंडीशन है, वो आपको यहाँ पे डी सिग्मा बाई डी ओमेगा। अब इसी में एक टोटल क्रॉस सेक्शन का कंसेप्ट आएगा, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा बाई डी ओमेगा। नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन, और एक वर्ड यहाँ पे हाइड है स्कैटरिंग, तो ये क्रॉस सेक्शन वर्ड स्कैटरिंग के लिए है, तो ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और डिफरेंशियल टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा टी, टोटल क्रॉस सेक्शन इज डिफाइंड एज the number of particles per unit time per unit incident flux per unit scattering centers per unit incident flux इंटू होल सॉलिड एंगल, जो आप स्फीयर का टोटल पोर्शन कंसिडर करेंगे, कर्व्ड सरफेस कंसिडर करेंगे, उस टोटल सरफेस से कितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड हो रहे हैं। होल सरफेस एरिया में कितना कंडीशन है पार्टिकल्स का पर यूनिट टाइम, पर यूनिट इंसिडेंट फ्लक्स
पर यूनिट स्कैटरिंग सेंटर, वो आपको टोटल क्रॉस सेक्शन बताएगा। अब बोथ में रिलेशन, टोटल क्रॉस सेक्शन और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में, आप अगर डी सिग्मा बाई डी ओमेगा को होल सॉलिड एंगल पे इंटीग्रल कर दें तो आपको ये टोटल कंडीशन पता चल जाएगा। आपने डिफरेंट डिफरेंट इनफाइनिटेसिमल एरिया का कंडीशन डिफरेंट डायरेक्शन में कंसीडर कर लिया, यहाँ पे भी आपने कंसीडर किया, यहाँ पे भी कंसीडर किया, ऐसे आप डिफरेंट कंडीशन कंसीडर करते जाएंगे तो आपको होल सरफेस एरिया कवर हो जाएगा। जब होल सरफेस एरिया कवर हो जाएगा तो आपको यहाँ पे टोटल पार्टिकल्स का कंडीशन पर यूनिट टाइम टोटल क्रॉस सेक्शन से आपको मिलेगा। तो डिफरेंशियल इसमें सॉलिड एंगल में आपको टू एंगल्स का कंसेप्ट होता है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे समटाइम ये सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा, समटाइम आपको डबल इंटीग्रल्स करने होंगे। ये डी सिग्मा की वैल्यूज यहाँ पे फॉर्म प्लेस करेंगे साइन थीटा डी थीटा डी फाई, तो फाई पे इंटीग्रल 0 टू 2 पाई और थीटा पे इंटीग्रल 0 टू पाई। समटाइम जब ये रिजल्ट थीटा से इंडिपेंडेंट होगा, सॉरी फाई से इंडिपेंडेंट होगा, जब फाई से इंडिपेंडेंट होगा तो फाई का जो कंडीशन है इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई डी फाई, वो 2 पाई कंडीशन आप सेपरेटली यहाँ पे इफ डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई, तो जब यह इंटीग्रल आप सॉल्व करेंगे तो सिग्मा टी सिंगल इंटीग्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं 0 टू 2 पाई डी सिग्मा बाई डी ओमेगा साइन थीटा डी थीटा, और ये इंटीग्रल 0 टू 2 पाई डी फाई वो 2 पाई बन जाएगा। बट ये जो रिजल्ट है वो कंडीशनल रिजल्ट है, अगर ये फाई से इंडिपेंडेंट आएगा तब आपको ये यूज करना है। जो करेक्ट डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है, इसमें थीटा फाई ऑल पार्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं। सर इसमें इसके बाद कैसे लिखा आपने ये वाला पॉइंट? कौन सा? ये इंटीग्रेशन 0 टू पाई एंड 0 टू 2 पाई वाला, ये डी ओमेगा पार्ट आपको लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। डी ओमेगा का डेफिनेशन डी ए बाई आर स्क्वायर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इनफाइनाइटेसिमल सरफेस एरिया जब आप नोट करते हैं तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई होता है, उसको आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा डी फाई सॉलिड एंगल बनता है। ओके सर आ गया समझ। तो एक टोटल क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे डिफाइंड हो गया। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन आपको रिक्वायर्ड होंगे जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो स्कैटरिंग को स्टडी करने के लिए आपको सम बेसिक डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट थी, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की और टोटल क्रॉस सेक्शन, वो आपको मैंने यहाँ पे बोथ टर्म्स डिफाइन कर दिए। तो समटाइम ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आपको प्रॉब्लम के लिए रिक्वायर्ड होंगे, बट आपको प्रॉब्लम में हो सकता है कि कहीं पे डायरेक्टली ये वर्ड यूज ना किया हो कि फाइंड द टोटल क्रॉस सेक्शन और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, आपको इस स्टेटमेंट से हिंट किया हो कि आपको क्या पार्ट फाइंड करना है, इसीलिए आपको ये बेसिक डेफिनेशंस फिजिकल स्टेटमेंट्स फिजिकल मीनिंग के लिए आपको ये स्टेटमेंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। अब आपको यहाँ पे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की रिक्वायरमेंट होगी, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में रिलेशन फाइंड करेंगे तो फिर से टोटल क्रॉस सेक्शन भी आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से रिलेट हो जाएगा। रीजन क्या है कि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, क्योंकि आप क्वांटम मैकेनिक्स में जो आप स्कैटरिंग स्टडी करते हैं तो पार्टिकल्स का वेव नेचर लेते हैं, और वेव नेचर के लिए पार्टिकल को वेव से वेव फंक्शन से आप पार्टिकल की स्टेट को रिप्रेजेंट करें, तो वेव फंक्शन से आपको इंसिडेंट का कितना एम्पलीट्यूड है उस एम्पलीट्यूड में ड्यू टू टारगेट स्कैटर्ड वेव में वेव का एम्पलीट्यूड में क्या चेंज हुआ उसका कंडीशन कितना है, दैट पार्ट से आप ये रिलेट करके डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का रिलेशन फाइंड करें। एक थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, अगर आप यहाँ पे ये इंसिडेंट बीम ले रहे हैं या पार्टिकल आपने इंसिडेंट किया इस डायरेक्शन में, ये इंसिडेंट बीम मैंने कंसिडर कर लिया, अब यहाँ पे कोई टारगेट है, अब इस टारगेट का स्कैटरिंग पोटेंशियल इंटरेक्शन बिटवीन दिस इंसिडेंट पार्टिकल, चाहे तो आप यहाँ पे भी एक सिंगल पार्टिकल कंसिडर कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए, ये टारगेट है और ये इंसिडेंट पार्टिकल है। अब इस टारगेट का इफेक्ट हो, इट मीन्स स्कैटरिंग पोटेंशियल से ये पार्टिकल का डिफ्लेक्शन होगा, इंसिडेंट डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल डेविएट होगा। सपोज आपने इस पॉइंट पे पार्टिकल को ऑब्जर्व किया और इस पार्टिकल का इंसिडेंट डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में जो डिफ्लेक्शन है इस पॉइंट पे, सपोज इस पॉइंट पे आपने ऑब्जर्व किया तो ये इंसिडेंट डायरेक्शन से ये एंगल थीटा है, सपोज ये 90 प्लस में है, सपोज आपने 135 एज्यूम कर लिया
एक रफ एस्टिमेशन के लिए। अब आपने पार्टिकल को इस पॉइंट पे स्टडी किया, बट यहाँ पे भी इस टारगेट का इफेक्ट है, तो ये एंगल चेंज हो जाएगा। इस पॉइंट पे सपोज पार्टिकल ये लाइक दिस, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सपोज ये कर्व पाथ है, मैं फिर आपको एंगल कंसीडर करेंगे लाइक दिस, ऐसे पार्टिकल जा रहा है। इस पॉइंट पे ये स्कैटरिंग एंगल बनेगा, इस पॉइंट पे ये स्कैटरिंग एंगल बनेगा, इस पॉइंट पे ये स्कैटरिंग एंगल बनेगा, और अगर पार्टिकल का पाथ ऐसे टर्न हो जाता है ऐसे, इस पॉइंट पे आपको एंगल चेक करते तो 90 प्लस में आप ये 135 लेते, और इंसिडेंट डायरेक्शन से आपको लेना है। तो जहां पे भी इस टारगेट का इफेक्ट आएगा तब तक ये पार्टिकल अपने इंसिडेंट डायरेक्शन से डेविएट होता जाएगा। अगर आपने पार्टिकल को यहाँ पे ही वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट कर लिया, पार्टिकल को यहाँ पे स्टडी किया, और आप ये कंफर्म हो जाए कि एंगल स्कैटरिंग एंगल 45 है, तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि एंगल यहाँ पे अभी 45 है, तो हो सकता है यहाँ पे 60 बन जाए। तो एग्जैक्ट कितने एंगल पे पार्टिकल स्कैटर्ड हुआ वो आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं होगा, तब तक कंफर्म नहीं होगा जब तक आप उस पॉइंट पे इंसिडेंट पार्टिकल आफ्टर स्कैटरिंग स्टडी करें, जब तक जहाँ पे इस टारगेट का इफेक्ट एब्सेंट हो। अगर टारगेट का इफेक्ट एब्सेंट नहीं है तो वो फिर से कहीं ना कहीं उसके फेज में या डायरेक्शन में चेंज होता रहेगा। तो स्कैटरिंग को स्टडी करने के लिए आप एसिम्प्टोटिक बिहेवियर यूज करते हैं, वेव फंक्शन में एसिम्प्टोटिक बिहेवियर आप यूज करते हैं, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर ऑफ वेव फंक्शन। एसिम्प्टोटिक बिहेवियर से या एसिम्प्टोटिक रीजन में आपको स्कैटरिंग को स्टडी करने का रीजन क्या है वो आपको आइडिया होना चाहिए। आप इस इंसिडेंट पार्टिकल को जब आप इंसिडेंट करेंगे तो उस पॉइंट से इंसिडेंट करेंगे जहां पे इस टारगेट का इफेक्ट एब्सेंट हो, जिससे पार्टिकल बिफोर स्कैटरिंग फ्री पार्टिकल कंसीडर हो, जो आपको स्टार्टिंग में जब वन डायमेंशन में स्कैटरिंग और बाउंड स्टेट डिस्कस किया, तो वहां पे आप कंपेयर करिए ये पार्टिकल, आप इंसिडेंट डायरेक्शन के लिए पार्टिकल का वेव फंक्शन कंसिडर किया था ए एक्सपोनेंशियल आई के एक्स सिस्टम फ्री पार्टिकल वेव फंक्शन प्रोपेगेटिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो सिमिलर अप्रोच यहाँ पे है, पार्टिकल को दैट पॉइंट से आप इंसिडेंट कराएंगे, दैट रीजन से इंसिडेंट कराएंगे जहां पे इस टारगेट का इफेक्ट एब्सेंट हो। फिर जब आप पार्टिकल को आफ्टर स्कैटरिंग स्टडी करेंगे तो दैट रीजन में स्टडी करेंगे, दैट पॉइंट पे स्टडी करेंगे जहां पे इस टारगेट का इफेक्ट फिर से जीरो हो जाए, तो दैट रीजन को बोलेंगे हम एसिम्प्टोटिक रीजन। और एसिम्प्टोटिक रीजन का मीनिंग क्या है कि जहां पे स्कैटरिंग पोटेंशियल इस टारगेट का इफेक्ट जीरो चला जाए। जितने भी नोन पोटेंशियल्स हैं, नोन फोर्सेस हैं, मोस्टली फोर्सेस 1/r² डिपेंडेंट आते हैं, तो जिनसे आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो 1/r डिपेंडेंसी बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आते हैं। और r को अगर आप ये पोटेंशियल का इफेक्ट को एब्सेंट करना है तो r को आप टेंड्स टू इनफाइनाइट कर दें तो ये टर्म्स जीरो चला जाएगा। कहीं समटाइम्स आपको स्कैटरिंग जब आप किसी बुक में पढ़ रहे होंगे तो एसिम्प्टोटिक रीजन को r टेंड्स टू इन्फिनिटी भी लिखा होगा वहाँ। रीजन क्या है कि इस कंडीशन में ये टारगेट का इफेक्ट एब्सेंट हो जाएगा। दैट पॉइंट पे जब आप कंफर्म करेंगे कि इतना स्कैटरिंग एंगल है, इतना फेज में चेंज हुआ, तो वो करेक्ट आएगा। तो एसिम्प्टोटिक रीजन में आप पार्टिकल को स्टडी करेंगे स्कैटरिंग पार्ट के लिए, एसिम्प्टोटिक रीजन में जब आप वेव फंक्शन नोट करेंगे साई इंसिडेंट, सपोज मैंने ये डायरेक्शन को जेड डायरेक्शन कंसिडर किया है, वो जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन, मोस्टली बुक में स्कैटरिंग के लिए ये डायरेक्शन को जेड डायरेक्शन मान एज्यूम करेगा, इट मींस जो पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में हो रहा है, और पॉजिटिव जेड डायरेक्शन के लिए जो पार्टिकल का वेव फंक्शन लेंगे तो एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर से ये के जेड बन जाए। सपोज इंसिडेंट पार्टिकल के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोपेगेशन वेक्टर है वो मैंने के बन ले लिया। अगर आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है तो ये पार्ट को आप आई के डॉट आर कंसीडर कर सकते हो। ये प्लेन वेव बनेगा फ्री पार्टिकल के लिए सॉल्यूशन। देखो मैंने पहले हिंट किया, ये पार्ट आपको पहले बताया हुआ है प्लेन वेव फॉर्म, और इसमें जेड डायरेक्शन जैसे ही स्पेसिफाई करेंगे तो ये फॉर्म एक्सपोनेंशियल आई के वन जेड बन जाएगा। अब इसी में आपको स्कैटर्ड वेव फंक्शन लिखना है। स्कैटर्ड वेव फंक्शन से आपको यहाँ पे हिंट होगा, एक तो इस फेज में चेंज आएगा और इसके एम्पलीट्यूड में भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। एम्पलीट्यूड मॉडिफाइड बाय ए फैक्टर एफ थीटा फाई एक्सपोनेंशियल आई के टू आर बाय आर।
आपको ये हिंट किया था कि ये प्लेन वेव है, और जब आफ्टर स्कैटरिंग पार्टिकल जाएगा तो इसका स्कैटर्ड पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्फेरिकल फॉर्म में हो सकता है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको टारगेट से अवे में मूव करने वाली स्कैटर्ड वेव कंसीडर करनी है, तो आउट गोइंग स्फेरिकल वेव की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और ये वेव आपको पहले ही बताया था कि ये स्फेरिकल वेव है और ये प्लेन वेव है, तो ये स्कैटर्ड वेव का वेव फंक्शन बनेगा। तो दिस टर्म एफ थीटा फाइव इस ए के रेस्पेक्ट में अगर इसको वन कर दें तो ये स्कैटरिंग का कंडीशन बताएगा, तो एफ थीटा फाइव इज नोन एज स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और जब आप वेव फंक्शन नोट करेंगे आप इन दिस रीजन, तो टू पार्ट्स आपको यहां पे टोटल वेव फंक्शन में इंक्लूड होंगे, साई इंसिडेंट प्लस साई स्कैटर्ड। इसको आप नोट करेंगे ए एक्सपोनेंशियल आई के वन डॉट आर प्लस ए एफ थीटा फाई बाई आर एक्सपोनेंशियल आई के टू आर। तो टोटल वेव फंक्शन आप इस सिलेबस में अगर स्केटरिंग रहा हो पीजी लेवल पे तो ये फॉर्म आप टोटल वेव फंक्शन का पड़ता है इन टर्म्स ऑफ स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। ये फर्स्ट टर्म इंसिडेंट वेव के लिए है और सेकेंड टर्म स्केटर्ड वेव के लिए, और जनरली बोथ का मैंने प्रोपेगेशन वेक्टर डिफरेंट लिया है। बुक में हो सकता है आपको ये सेम लिया हो, वहाँ पे एक पर्टिकुलर कंडीशन रही होगी इलास्टिक स्केटरिंग का, तो मैंने यहाँ पे आपको ये स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का नोटेशन बता दिया है। बट स्केटरिंग एम्पलीट्यूड में फिर से समटाइम्स आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा। हो सकता है आप लोगों में भी किसी के माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ हो कि व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ स्केटरिंग एम्पलीट्यूड। कोई जानना चाहता है स्केटरिंग एम्पलीट्यूड का फिजिकल मीनिंग क्या होगा? सर ये इंट्रोड्यूस तो बहुत बार हुआ बट इसका मतलब एग्जैक्ट मीनिंग पता नहीं है। नहीं पता, मैं भी नहीं बता सकता। रिकॉल करिए वेव फंक्शन का कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता, बताया था। हाँ सर। तो आप कैसे बता सकते हैं इसका फिजिकल मीनिंग? स्टार्टिंग से आप पढ़ते आ रहे हैं साई हैज नो फिजिकल मीनिंग बिकॉज दिस इज कॉम्प्लेक्स, जनरली कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को आप फिजिकली सिग्निफाई नहीं कर सकते। तो एस सच एफ थीटा का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जब इसको मॉड स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, मॉड स्क्वायर टर्म को आप इसको फिजिकली इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इसके मॉड स्क्वायर से पे आप रिलेट करेंगे। और इसको रिलेट करने के लिए आपको रिलेशन चाहिए, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। देखो मैंने अभी हिंट किया कि अगर कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है कि किस डायरेक्शन में इंसिडेंट कर रहे हैं पार्टिकल को, तो ये वेव फंक्शन आएगा। बट इसी पार्ट में अगर जेड डायरेक्शन में आपने पार्टिकल इंसिडेंट किया तो ये एक्सपोनेंशियल आई के वन जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये एक्स डायरेक्शन होता तब ये एक्स के वन एक्स बनता। तो क्वेश्चन में हो सकता है कि समटाइम या आपको बुक में जब आपने स्केटरिंग पढ़ा हो समटाइम आपको वहाँ पे रेफरेंस दिया हो कि जेड डायरेक्शन में पार्टिकल को आप इंसिडेंट कर रहे हैं, अगर स्पेसिफाई नहीं किया होगा तब ये फॉर्म लिया होगा। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको कन्फर्म होना है दीज टू पार्ट में। रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, और ये रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं, ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के लिए डिफाइन करने के लिए जो डेफिनेशंस बताई हैं इनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, ये रिलेशन की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे आप इंसिडेंट वेव फंक्शन ए एक्सपोनेंशियल आई के वन जेड पार्टिकल को आपने पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में इंसिडेंट किया है, और यहाँ से आप इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं ए मॉड स्क्वायर। और पार्टिकल फ्लक्स के लिए आपको प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फाइंड करना है, वो स्टार्टिंग में आपको ये हिंट किया हुआ है, और लास्ट लेक्चर में मैंने हिंट भी किया कि आप कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वाले आर्टिकल में
ये पॉइंट आपको नोट कराया हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी आपको इंसिडेंट के लिए फाइंड करना है, उसका मैग्नीट्यूड ले रहा है जो इंसिडेंट, तो ए मॉड स्क्वायर साई स्टार साई इंटू वेलोसिटी आपको बताया था, ए मॉड स्क्वायर एच क्रॉस के वन बाई एम, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे ये वेक्टर पार्ट से अपने ओनली मैग्नीट्यूड कंडीशन यूज कर लिए। स्कैटर्ड वेव फंक्शन दैट इज ए मल्टीप्लाइड बाई एफ थीटा फाइव बाई आर एक्सपोनेंशियल आई के टू आर, और यहाँ पे स्कैटर्ड वेव फंक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, तो फिर से साई स्टार साई ए मॉड स्क्वेयर एफ थीटा फाई मॉड स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर, वेलोसिटी फॉर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड फॉर दिस वेव एच क्रॉस के टू बाई एम, ये आपको स्कैटर्ड वेव फंक्शन के रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी मैग्नीट्यूड है। जो स्कैटर्ड पार्टिकल फ्लक्स का नोटेशन, ये इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स था, ये स्कैटर्ड पार्टिकल फ्लक्स बताया, ये नोटेशन पहले ही आपको बताए हुए हैं। इंसिडेंट पार्टिकल फ्लक्स, इसका नेम भी बता दिया और डेफिनेशन भी आपको बताया हुआ कि क्या रिप्रेजेंट करेगा ये। बट जे स्कैटर्ड, जो स्कैटर्ड पार्टिकल फ्लक्स है, अब सिमिलर वे में इसका भी आपको फिजिकल ये डेफिनेशन पता होना चाहिए। फ्लक्स का बेसिक डेफिनेशन मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स से बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से बताया था, उसी तरह से यहाँ पे पार्टिकल फ्लक्स है, बट किस टाइप के पार्टिकल्स हैं उसको आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो ये रिप्रेजेंट करेगा द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये आपको स्कैटर्ड पार्टिकल फ्लक्स। अब यहां से अगर एक इनफाइनाइट जिस एरिया में आपको पार्टिकल का कंडीशन फाइंड करना है स्कैटर्ड पार्टिकल्स का, वो अगर यहां पे एरिया मल्टीप्लाई कर दें तो दिस टर्म कन्वर्ट हो जाएगा नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम। तो यहां पे आपको फाइंड करना है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम into an element or infinitesimal area dA। तो ये notation बताया था आपको dA, और आपको scattered particles का meaning पता है, अगर आप यहाँ पे area से multiply कर दें तो ये आपको confirm हो गया, ये यहाँ पे आपको डिफाइन कराया हुआ है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम इनटू एन इनफिनिटेसिमल एरिया डीए। अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम आपको बताए हैं, पर यूनिट एरिया बताया है, तो एरिया अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस टर्म रिप्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर यूनिट टाइम इनटू एन एलिमेंट एरिया डीए। अब इसी के लिए आपको एक एक्सप्रेशन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में आपको हिंट किया हुआ है, ये टर्म आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन में, तो डी एन इज इक्वल टू डी सिग्मा बाई डी ओमेगा एन जे इंसिडेंट डी ओमेगा। देखो मैंने आपको ये जनरलाइज एक्सप्रेशन बताया है, बट आपके जो सिलेबस में है जितनी प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं वो स्कैटरिंग सेंटर को वन करके पूछी गई हैं, नंबर ऑफ स्कैटरिंग सेंटर वन हो तो यही टर्म आपका कन्वर्ट हो जाएगा डी एन इज इक्वल टू डी सिग्मा बाई डी ओमेगा जे इंसिडेंट डी ओमेगा। अब चाहे तो दीज टू रिलेशंस को कोई नेम यहाँ पे कोई नंबरिंग कर सकते हैं दीज रिलेशंस में, तो ये इक्वेशन को मैंने बोथ पार्ट के लिए वन कर दिया, इसको टू और इसको थ्री कर दिया, तो बोथ इक्वेशंस टू एंड थ्री दीज का लेफ्ट पार्ट
मैच करता है तो राइट पार्ट भी मैच करेगा। तो यहां से डी सिग्मा बाई डी ओमेगा जे इंसिडेंट डी ओमेगा इज इक्वल टू जे स्कैटर्ड डी ए। डी ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ डी ए या डी ए को इन टर्म्स ऑफ डी ओमेगा आप डिफाइन कर सकते हैं। डी ए बोथ साइड से कैंसिल आउट हो गया देन डी सिग्मा बाई डी ओमेगा कैन बी रिटन एज आर स्क्वायर जे स्कैटर्ड बाई जे इंसिडेंट। और आपको दीज टू नोटेशंस का डेफिनेशन एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे बताया हुआ है, ये प्लेस कर दीजिए। आर स्क्वायर एस एच ए मॉड स्क्वायर एच क्रॉस के वन बाई एम डिवाइडेड बाई ये टर्म एफ उल्टा नोट हो गया, ये जे स्कैटर का आपको प्लेस करना है। ए मॉड स्क्वायर एच क्रॉस के टू बाई एम एफ थीटा फाई मॉड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर एंड जे इंसिडेंट ए मॉड स्क्वायर एच क्रॉस के वन बाई एम। तो ए मॉड स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट हो गया, एच क्रॉस बाई एम कैंसिल आउट हो गया, ये आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। देन डी सिग्मा बाई डी ओमेगा इज इक्वल टू के टू बाई के वन एफ थीटा फाई मॉड स्क्वायर। ये आपको सपोज इक्वेशन नंबर फोर आ गई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन फॉर ऑल टाइप ऑफ स्कैटरिंग इलास्टिक एज वेल एज इनइलास्टिक। जनरली ये नोटेशन इनइलास्टिक स्कैटरिंग के लिए मैंने डिफाइन कर दिया, बट इसी में अगर इलास्टिक स्कैटरिंग का कंडीशन अप्लाई करें फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो होगा। टारगेट को मैंने यहाँ पर रेस्ट पे लिया है, यहाँ पे मूव नहीं कराया बट टारगेट को ये रेस्ट पे है, जो रेस्ट पे होगा तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पे अप्लाई कर सकते हैं। इंसिडेंट पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे तो एच क्रॉस स्क्वायर के वन स्क्वायर बाई ट्वाइस एम इज इक्वल टू एच क्रॉस स्क्वायर के टू स्क्वायर बाई ट्वाइस एम। और यहाँ से आपको के वन मैग्नीट्यूड और के टू मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से। और जैसे यहाँ पे प्लेस करेंगे तो d सिग्मा बाई डी ओमेगा जो आप बुक में पढ़ते हैं ये फॉर्म पढ़ा होगा आप लोगों ने f थीटा फाई मॉड स्क्वायर, बट ये एक्सप्रेशन इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए है। जब तक स्पेशली मेंशन ना करे या हिंट ना करे कि एनर्जी कितने टाइम्स चेंज हो रहा है, आपको यही एक्सप्रेशन यूज करना है, क्योंकि आपके जो सिलेबस में अब तक क्वेश्चन पूछे गए वो इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए पूछे गए, इसीलिए मैंने ड्राइव तो किया जनरल स्कैटरिंग के लिए बट लास्ट में कन्वर्ट कर दिया इलास्टिक स्कैटरिंग। अब आपको कोई ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पे एफ थीटा फाई का मॉड स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आपको डी सिग्मा बाई डी ओमेगा का फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया हुआ है क्या रिप्रेजेंट करता है। आपको एफ थीटा का तो फिजिकल मीनिंग नहीं पता था, बट एफ थीटा फाई मॉड स्क्वायर का फिजिकल मीनिंग क्या रिप्रेजेंट करेगा वो आपको कन्फर्म हो गया। और ये कॉम्प्लेक्स होता है जनरली ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, इसका मॉड स्क्वायर करेंगे तो ये रियल टर्म आ गया जिसको आप फिजिकली सिग्निफाई कर सकते। एक पॉइंट और रिकॉल करिए, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको ये जब कभी एक कंडीशन पूछा होगा कि ये प्लेन वेव कैसे है और ये यहाँ पे क्या पार्ट स्फेरिकल वेव को रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने हिंट किया कि यहाँ पे फेज पार्ट से आप स्फेरिकल वेव का कंसेप्ट लेते हैं, इस आर का स्फेरिकल वेव के लिए कोई रोल नहीं है। मैंने ये हिंट किया कि जब स्कैटरिंग बढ़ाएंगे तो इस आर का रीजन आपको डिस्कस करेंगे कि डिवाइड में आर क्यों आएगा, तो इसको डिफाइन करने के लिए आपको इसको रीजन चेक करने के लिए इस डेफिनेशन पे जाना है। जे स्कैटर्ड का डेफिनेशन मैंने बताया है यहाँ पे कि ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे कंपेयर करें, अगर एक टारगेट के अराउंड ये टारगेट आपने कंसीडर किया, आपने एक बार इस स्फीयर से पास होने वाले पार्टिकल्स का नंबर पर इन टाइम फाइंड किया, अब सेम टारगेट लिया सेम ग्रुप लिया सेम बीम लिया इंसिडेंट पार्टिकल्स का, अब की बार आपने ये रेडियस को चेंज कर दिया, अब की बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको इस लार्ज स्फीयर से फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम अगर आप फाइंड करेंगे
टू डिफरेंट रेडियस वैल्यूज है यहाँ पे, एक ये आर वन है और एक ये आर टू है। तो जितने पार्टिकल्स इस स्फीयर से पास होंगे, इस स्फीयर से आर वन रेडियस वाले स्फीयर से, वो पार्टिकल्स आर टू वाले स्फीयर के सरफेस को भी तो पास करेंगे। इट मीन्स जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर इन टाइम का कंडीशन है जो आपने फाइंड किया जे स्कैटर्ड इनटू एरिया से, तो जे स्कैटर्ड में अगर आप ये आई वेव फंक्शन में आर स्क्वायर टर्म, आर टर्म नहीं लेते तो जे स्कैटर्ड में वन बाई आर स्क्वायर टर्म नहीं आता, और ये सरफेस एरिया जो आप आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई लेते हैं, तो ये डिफरेंट रेडियस वाले स्फीयर के सरफेस से पार्टिकल का कंडीशन डिफरेंट आता, जो भी मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया कि सेम आना चाहिए। अगर ये आर स्क्वायर टर्म नहीं आता यहाँ पे, तो ये टर्म डिफरेंट रेडियस के लिए डिफरेंट कंट्रीब्यूट करता है, डिफरेंट अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, जो रॉन्ग है। तो ये एरिया से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जो नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड पर इन टाइम है वो एरिया से इंडिपेंडेंट होना चाहिए ये टर्म। और एरिया से इंडिपेंडेंट कब होगा, जब इस जे स्कैटर्ड में वन बाई आर स्क्वायर टर्म आए, और ये वन बाई आर स्क्वायर टर्म कब आएगा, जब इस वेव फंक्शन में ये वन बाई आर डिपेंडेंसी आ रही है। तो स्कैटर्ड पार्टिकल का कंडीशन एरिया से इंडिपेंडेंट करने के लिए ये स्कैटर्ड वेव फंक्शन में वन बाई आर डिपेंडेंसी होनी चाहिए, जो स्फेरिकल वेव से वेव फ्रंट की शेप में इसका कोई कंडीशन नहीं है इस वन बाई आर का। ओनली वेव फ्रंट आप इस एक्सपोनेंशियल टर्म में जो फेज पार्ट है उससे स्पेसिफाई करते हैं, जो बेसिक डेफिनेशन पहले बताया हुआ है। बट इसका रीजन दैट टाइम पे मैं एक्सप्लेन करता तो आपको ये थोड़ा रिलेट नहीं होता कि कैसे एरिया पे डिपेंडेंसी इंक्लूड करेगा ये टर्म, कैसे इसमें आपको एरिया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको अब बीस डेफिनेशन को इंक्लूड करते हुए आपको ये कन्फर्म रहेगा। तो वन बाई आर का रीजन सभी को कन्फर्म हो जाना चाहिए कि स्कैटर्ड वेग में अगर आप वन बाई आर टर्म नहीं लेते हैं तो स्कैटर्ड पार्टिकल का कंडीशन डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट आता है। अगर आप रेडियस चेंज करते हैं स्फेरिकल सरफेस का, तो डिफरेंट सरफेसेस से आपको डिफरेंट कंडीशन फाइंड होता है सेम टारगेट के लिए, सेम नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स के लिए पर इन टाइम, जो रॉन्ग है। वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए रेडियस से एरिया से, वो तभी बनेगा जब आप वेव फंक्शन में वन बाई आर डिपेंडेंसी लेंगे। तो स्कैटर्ड वेव फंक्शन से जब आप इंसिडेंट स्कैटर्ड फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो स्कैटर्ड फ्लक्स में वन बाई आर स्क्वायर डिपेंडेंसी आने से एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आर से और एरिया से इंडिपेंडेंट बन जाएगा। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, टोटल क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, दीज सम्स के नोटेशंस और डेफिनेशंस मैंने आपको हिंट कर दिए। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन का आपको रिलेशन बता दिया। फाइंड द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड टोटल क्रॉस सेक्शन इन द स्कैटरिंग of a particle in which scattering amplitude f theta phi is given by where A and B are constants. और चाहे तो इसको रियल कॉन्स्टेंट्स बढ़ गए, अगर आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड डिफाइंड किया हुआ है तो ये
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, ए और बी रियल हैं और यहाँ पे आईटा मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन गया, और इसका मॉड स्क्वायर फाइंड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आपको फाइंड हो गया। टोटल क्रॉस सेक्शन फाइंड करने के लिए आप इसको इंटीग्रल करेंगे, और डी सिग्मा बाई डी ओमेगा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है, वो आपको पहले हिंट किया, तो टोटल क्रॉस सेक्शन और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड में भी आपको रिलेशन मिल गया। जनरली स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड थीटा और फाई का फंक्शन होगा, बट यहाँ पे जो फॉर्म दिया है वहां पे ओनली थीटा का फंक्शन है, तो इंटीग्रल डी फाई को आप टू पाई करेंगे, ये टर्म प्लेस करेंगे और ये इंटीग्रल की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए। टोटल क्रॉस सेक्शन आपको फाइंड हो जाए, इंटीग्रल को आप सॉल्व, सर ये एफ ऑफ थीटा का वैल्यू तो हमने पुट किया, उसके बाद साइन थीटा कहाँ गया? वो सर वॉइस नहीं आ रही आपकी, वॉइस नहीं आ रही है सर, ने म्यूट कर लिया आपने आपको शायद, वॉइस नहीं आ रही। लगता है सर कनेक्शन स्लो, नहीं कनेक्शन स्लो नहीं, अभी नहीं, नहीं, मूव कर रहा था तो साइन थीटा लिखे ना, हेलो हाँ, मैं सोचा मैं ही नहीं आ रहा, सर का वॉइस नहीं आ रहा, क्रसर मूव हो रहा है, वो कोई बात नहीं, ये आपको यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा आपको इस पार्ट से, और जो मॉड स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पे मैंने प्लेस की है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये एफ थीटा मॉड स्क्वायर, ये साइन थीटा डी थीटा एस एच, क्लियर हो गया? आपको ये इंटीग्रल जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टर्म में ए स्क्वायर साइन थीटा टर्म बनेगा,
इंटीग्रल जीरो टू पाई डी थीटा, और ये टर्म बनेगा साइन क्यूब थीटा। डी थीटा अब ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व करने के लिए बोला था मैंने, तो ये पार्ट में तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसको आप साइन थ्री थीटा का एक्सप्रेशन डिस्कस किया था, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। तो यहां से साइन क्यूब थीटा को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वन बाई फोर, ये सॉरी थ्री बाई फोर साइन थीटा माइनस वन बाई फोर साइन थ्री थीटा। अब यहां से भी इंटीग्रल हो जाएगा और यहां से भी इंटीग्रल हो जाएगा इजीली। जब फर्स्ट टर्म में आपने इंटीग्रल किया तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, इंटीग्रेशन लिमिट जीरो टू पाई। अब ये टर्म बी स्क्वायर एस एच थ्री बाई फोर एस एच, इस साइन थीटा का इंटीग्रल करेंगे माइनस कॉस थीटा जीरो टू पाई माइनस वन बाई फोर, इस साइन थ्री थीटा का इंटीग्रल करेंगे तो माइनस कॉस थ्री थीटा डिवाइडेड बाई थ्री। अब ए स्क्वायर वाले टर्म और बी स्क्वायर वाले टर्म एक साथ आप नोट करके ये लिमिट वैल्यूज आपको बताएं, यहाँ पे उनकी वैल्यूज प्लेस करिए, ये टर्म को कंपेयर करिए। सो आप नोट कर सकते हैं कॉस पाई माइनस वन माइनस कॉस जीरो और ये माइनस यहाँ पे है, तो ये कंडीशन टू मिलेगा। ये कंडीशन भी आपको टू मिलेगा। अब यहां पे कंपेयर करिए, ये टर्म कॉस थ्री पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस थ्री पाई फिर से माइनस वन मिलेगा, तो ये कंडीशन माइनस टू हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, हो जाएगा अब तो कंप्लीट। बोलिए जी सर। यस सर, इसी में सर हो जाएगा सर, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट सेम रहेगा, मैं स्केटिंग एम्पलीट्यूड में एक माइनर चेंज कर रहा हूँ। इसको भी जब जल्दी से ट्राई करिए, ये फॉर्म चेक करिए, यहाँ पे साइन थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है, हो गया सर। हो गया
यस सर क्या रिजल्ट आया 4 पाई इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 3 तो अगर आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड प्रॉब्लम में गिवन होगा तो टोटल क्रॉस सेक्शन और डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन आप फाइंड कर सकते हैं या आपको कहीं प्रॉब्लम में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना हो सकता है लास्ट टू प्रॉब्लम्स में तो आपको स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड गिवन था बट समटाइम्स आपको कुछ प्रॉब्लम्स में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड भी फाइंड करना होगा और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए आप एक बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ रहे हैं जो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करके स्कैटरिंग की प्रॉब्लम्स में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्म बनेगा डिफरेंट पोटेंशियल्स के लिए वो कैसे फाइंड करना है बट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से पहले आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया होना चाहिए कई बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिगार्डिंग आपको स्कैटरिंग एंगल का कंसेप्ट पूछ लेता है यहाँ पे आपको वो एक पार्ट और हिंट करना था जो मैंने रिलेशंस बताए हैं ये आपको डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन यहाँ पे जो ये पार्ट इंक्लूड हो रहा है ये थीटा नोटेशंस जो आपको यहाँ पे आ रहा है ये एंगल अगर पार्टिकल थीटा एंगल पे स्कैटर्ड होता है तो दिस थीटा इज नोन एज स्कैटरिंग एंगल इंसिडेंट पार्टिकल का टारगेट को इंटरेक्ट करके इंसिडेंट डायरेक्शन से जो एंगल बनेगा वो स्कैटरिंग एंगल है तो स्कैटरिंग एंगल डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंट होगा तो जनरली तो यहाँ पे आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का आइडिया होना चाहिए और बोथ फ्रेम में स्कैटरिंग को कैसे रिप्रेजेंट करना है उसका आपको आइडिया होना चाहिए तो स्कैटरिंग को स्टडी करने के लिए आप टू डिफरेंट फ्रेम का नेम यूज किए होंगे एक लेबोरेटरी फ्रेम और जिसको शॉर्ट में एल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्ड भी यूज करते हैं एल फ्रेम और सी फ्रेम एल फ्रेम मींस लेबोरेटरी फ्रेम जिसको लैब फ्रेम भी वर्ड यूज करते हैं लैब लेबोरेटरी के लिए ये नोटेशन एल जो है वो लेबोरेटरी के लिए है और सी जो नोटेशन जो यहाँ पर पार्ट है वो सेंटर ऑफ मास के लिए है सेंटर ऑफ मास फ्रेम तो लैब फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम तो लैब फ्रेम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच टारगेट इज इनिशियली एट रेस्ट एंड द सेंटर ऑफ मास फ्रेम The frame of reference in which center of mass of the system is always at rest. तो यहाँ पे तो initially means before scattering target rest पे रहेगा after scattering वो move करेगा बट यहाँ पे सेंटर ऑफ मास बिफोर स्कैटरिंग एंड आफ्टर स्कैटरिंग रेस्ट पे रहे अब अगर आप यहाँ पे कोई ये इंसिडेंट पार्टिकल ले रहे हैं और ये आपने टारगेट कंसीडर किया ये रेस्ट पे है तो यहाँ पे आप कंपेयर करिए इन दोनों पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे लाई करेगा सपोज यहाँ पे लाई करता है वो दीज के मास पे डिपेंड करेगा अब जैसे जैसे ये पार्टिकल टुवार्ड्स टारगेट मूव करेगा बोथ के रिलेटिव पोजीशन भी चेंज हो रहा है और ये सेंटर ऑफ मास भी इस साइड में मूव करता जाएगा अब आफ्टर स्कैटरिंग अगर आप ये डायग्राम को कंपेयर करें सपोज इंसिडेंट पार्टिकल इधर मूव किया और टारगेट आफ्टर स्कैटरिंग मूव करेगा और टारगेट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग पे इनिशियल डायरेक्शन जो आपने कंसिडर किया इस पर मूव करता जाएगा और इनका रिलेटिव पोजीशन भी चेंज होता चला जाएगा तो अगर आप यहाँ पे जो टू बॉडी प्रॉब्लम के जो कोऑर्डिनेट्स थे उनको आप सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स और रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करेंगे तो चाहे
पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में इसको चेक कर लें, चाहे आप सेंटर ऑफ मास और लिटी पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स में चेक कर लें। अगर यहाँ पे थ्री डायमेंशनल स्पेस का कंसेप्ट ले रहे हैं तो थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इस पार्टिकल के लिए होगा, थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम अनदर पार्टिकल के लिए होगा। बोथ पार्टिकल के लिए जब सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे तो लेबोरेटरी फ्रेम में डिग्री ऑफ फ्रीडम इन थ्री डायमेंशनल स्पेस ये 6 बनेगा। अब चाहे इसको पार्टिकल के टर्म्स में चेक कर लो कि थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर इंसिडेंट पार्टिकल और थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर टारगेट। अब इसी को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसमें थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेगा, थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सेंटर ऑफ मास मोशन और थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रिलेटिव मोशन। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस नहीं होता है लेबोरेटरी फ्रेम में, बट इस पार्ट में अगर आप चेक करें जब लेबोरेटरी फ्रेम से सेंटर ऑफ मास फ्रेम पे जाएंगे तो अगर पार्टिकल के टर्म्स में आप चेक करें तो यहाँ पे अभी भी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3-3 रहेगी। तो पार्टिकल के टर्म्स में जब हम सिस्टम में टू बॉडीज कंसिडर कर रहे हैं, वन इंसिडेंट पार्टिकल और वन टारगेट पार्टिकल, तो सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है। बट जब आप उसको लाइक दिस मोशन में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास का मोशन यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऑलवेज रेस्ट पे है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। और जब सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ये मोशन के कॉरस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप रिड्यूस करेंगे तो सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ रिलेटिव मोशन के लिए बचेगा और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस कर सकते हैं, ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम बचेगा कॉरस्पॉन्डिंग टू ओनली रिलेटिव मोशन। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है और सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे होने से सेंटर ऑफ मास का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 3 था वो एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस करने के बाद 3 हो गया। तो जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस नंबर में आएगा उतना ही आपको कैलकुलेशंस इजी रहेंगी। तो कैलकुलेशंस तो आप करते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम में और ऑब्जर्वेशंस करते हैं आप लेबोरेटरी फ्रेम में, जिससे करेक्ट पिक्चर आपको फाइंड हो जाए। तो बोथ फ्रेम की क्या रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस होंगे, वो आपको मैंने यहाँ पे हिंट कर दिया। बोथ फ्रेम का क्या डिफरेंस है वो आपको मैंने हिंट कर दिया। अब आपको कैलकुलेशंस आप करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप इजी कैलकुलेशन पार्ट के लिए, और पिक्चराइज करेंगे ऑब्जर्व करेंगे आप इसको लेबोरेटरी फ्रेम में। तो मेजरमेंट कर रहे हैं लेबोरेटरी फ्रेम में और कैलकुलेशंस कर रहे हैं आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट्स थ्योरी से मैच करें वो तभी हो सकता है जब आपको बोथ टाइप के फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स के रिलेशंस पता हों। तो रिलेशंस फाइंड करने के लिए आपको बोथ फ्रेम के लिए मैं टू पार्टिकल्स की स्कैटरिंग को मैं इंडिविजुअली बोथ फ्रेम में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले यहाँ पे लेबोरेटरी फ्रेम के लिए क्या पिक्चर बनेगा वो रिप्रेजेंट करते हैं। ये इनिशियल पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल का मास m1 ले रहे हैं और ये टुवार्ड्स टारगेट v1l लेबोरेटरी के लिए 1 नोटेशन फॉर फर्स्ट पार्टिकल, ये वेलोसिटी बिफोर स्कैटरिंग है फर्स्ट पार्टिकल के लिए। अब ये टारगेट यहाँ पे रेस्ट पे है, m2 मास का पार्टिकल है और ये टारगेट रेस्ट पे है बिफोर स्कैटरिंग। अब आफ्टर स्कैटरिंग जब ये पिक्चर नोट करेंगे तो सपोज ये इंसिडेंट पार्टिकल इनिशियल डायरेक्शन से इस इनिशियल डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में थीटा 1L एंगल पे लेबोरेटरी फ्रेम के लिए L नोटेशन है और फर्स्ट पार्टिकल का स्कैटरिंग इस इंसिडेंट पार्टिकल का इस टारगेट के हेल्प से आप स्कैटरिंग स्टडी करेंगे तो ये स्कैटरिंग एंगल का पार्ट आपको कन्फर्म होगा। बट आफ्टर स्कैटरिंग टारगेट भी मूव करेगा और टारगेट का मास m2 है, सपोज ये इस डायरेक्शन में जाएगा, इसका भी एंगल चाहे तो आप
नॉट कर सकते हैं थीटा टू एल, बट स्कैटरिंग एंगल वर्ड आप यूज करेंगे सिर्फ जो आपने पार्टिकल इंसिडेंट किया है. तो थीटा वन एल इज द स्कैटरिंग एंगल इन लेबोरेटरी फ्रेम. एल नोटेशन लेबोरेटरी फ्रेम के आपको यहां पे इंटर. बोथ पार्टिकल्स की वेलोसिटी आफ्टर स्कैटरिंग जनरली डिफरेंट होगी. तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए नोटेशन वन था एल लेबोरेटरी के लिए, और आफ्टर स्कैटरिंग मैंने ये डैश से रिप्रेजेंट कर दिया. आफ्टर स्कैटरिंग टारगेट भी मूव करेगा, तो इसके लिए वेलोसिटी वी टू एल डैश आफ्टर स्कैटरिंग. तो दिस इज द पिक्चर ऑफ स्कैटरिंग ऑफ टू पार्टिकल्स इन लेबोरेटरी फ्रेम. अगर यही स्कैटरिंग को आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रिप्रेजेंट करें तो यहां से आप सेंटर ऑफ मास के लिए आप एक रिलेशन पढ़े होंगे जो भी आगे मैं नोट भी करूंगा. अगर लेबोरेटरी फ्रेम में आपको सेंटर ऑफ मास रिप्रेजेंट करना हो टू पार्टिकल्स के लिए तो ये एक्सप्रेशन आप लोग यूज किए होंगे, समेशन ओवर आई एम आई आर आई डिवाइडेड बाई समेशन ओवर आई एम आई फॉर पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास. अगर आपको ये कन्फाइंड हो जाएगा तो इसी का डेरिवेटिव लेके आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे इन लेबोरेटरी फ्रेम. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन लेबोरेटरी फ्रेम, पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इन लेबोरेटरी फ्रेम. तो इससे आपको सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटी लेबोरेटरी फ्रेम में फाइंड होंगे. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास का, अगर दैट पार्ट से आप यहाँ पे ये रेस्ट पे है, सेंटर ऑफ मास को जीरो करने के लिए, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी को जीरो करने के लिए आप ये पार्टिकल भी मूव कराएंगे, और मूव कराएंगे तो दोनों पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम के. सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए आप यहाँ पे बोथ पार्टिकल्स को बिफोर स्कैटरिंग जब यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो मास बोथ फ्रेम में सेम रहेगा, बट बोथ पार्टिकल्स की जो वेलोसिटीज हैं वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में आप अनदर कोऑर्डिनेट से नोटेशन से रिप्रेजेंट करेंगे. वी वन फॉर सेंटर ऑफ मास फ्रेम नोटेशन सी फॉर फर्स्ट पार्टिकल वी वन सी एंड सेकेंड पार्टिकल वी टू सी. बोथ पार्टिकल्स बिफोर स्कैटरिंग अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, टुवार्ड्स ईच अदर मूव करेंगे, और आफ्टर स्कैटरिंग जब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो अभी भी पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, 180 डिग्री पर पार्टिकल्स मूव करेंगे. ये फर्स्ट पार्टिकल वेलोसिटी आफ्टर स्कैटरिंग वी वन सी डैश, और ये वेलोसिटी वी टू सी डैश. अपोजिट डायरेक्शन मूव करने का रीजन क्या है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपको रेस्ट पे रखना है सेंटर ऑफ मास फ्रेम में. ये एंगल थीटा वन सी और ये एंगल थीटा टू सी, बट ये आप थीटा वन सी से रिलेट कर सकते हैं, बोथ ये एंगल पाई है और पाई से डिफरेंस किया तो थीटा टू सी आपको फाइंड होगा. बट यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप पाई से डिफरेंस करके फाइंड कर पाए. तो ये बोथ फ्रेम में मैंने आपको स्कैटरिंग को रिप्रेजेंट कर दिया. अब बोथ पार्ट बोथ फ्रेम के आपको कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करने के लिए हो सकता है कि बुक में आपको और मेथड पढ़े हों, एक इजी मेथड मैं आपको हिंट कर रहा हूँ. सेम मेथड से आप जब स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में वेलोसिटी एडिशन पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं दैट पार्ट के लिए भी आपको सेम अप्रोच रहेगा. अब यहाँ पे टू फ्रेम का कंसेप्ट लेंगे, एक लेबोरेटरी फ्रेम और एक सेंटर ऑफ मास फ्रेम. आप वहां पे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एस वन एस टू कोई टू फ्रेम्स लेते हैं और थर्ड तो यही जैसे आपको मैंने यहाँ पर टू फ्रेम्स रिप्रेजेंट किए हैं तो वहां पे किसी एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में थोड़ा मैं हिंट कर रहा हूँ,
किसी एक फ्रेम के रेस्पेक्ट में बोथ पार्ट फ्रेम्स की आपको वेलोसिटी दिया होता है, जो आप v1 v2 ले सकते हैं, उनका आपको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे टू फ्रेम का कंसेप्ट है, लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर मास फ्रेम। ऐसे ही वहां पे अगर आप थ्री फ्रेम्स के डायग्राम रिप्रेजेंट कर लें तो सिमिलर वे में आप उनको रिलेट कर सकते। मैंने ये सी फ्रेम लिया और ये लेफ्ट फ्रेम। अब कोई एक पार्टिकल आप सेंटर मास फ्रेम में पहले कंसीडर कर रहे हैं और इस सेंटर मास फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर स्मॉल आर सी है। अब इस लेबोरेटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की पोजीशन डिफरेंट होगी, वो आपको डायग्राम से भी शो हो रहा होगा। ये आर एल और सेंट्रोमास फ्रेम में तो सेंट्रोमास रेस्ट पे होता है। सपोज ये देखो जब सेंट्रोमास रेस्ट पे लेंगे तो जहां सेंट्रोमास है उस पे आप सेंट्रोमास फ्रेम को अटैच कर दें तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में सेंट्रोमास मूव नहीं करेगा। लेबोरेटरी फ्रेम में जैसे जैसे सेंट्रोमास यहाँ पे मूव करता है, ये लेबोरेटरी फ्रेम आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये मास सेंट्रोमास मूव कर रहा है, तो अगर आप कोई ऑब्जर्वर को यहाँ पे बैठा दें तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये सेंट्रोमास रेस्ट पे आ गया, तो इट मीन्स इस सेंट्रोमास का आपने एक फ्रेम अटैच कर दिया जिसको सेंट्रोमास फ्रेम कहते हैं। तो ये यहाँ पे सेंट्रोमास मान दिया हमने कोई पार्टिकल सिस्टम का, मैंने उनमें से कोई एक पार्टिकल यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। अब ये लेबोरेटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये फ्रेम मूव करेगा, इट मीन्स लेबोरेटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में सेंट्रोमास का पोजिशन वैक्टर आर है और ये पोजिशन वैक्टर आर आप इस एक्सप्रेशन से फाइंड करें। R is defined as m1 r1 l टू बॉडी प्रॉब्लम के लिए, जो लास्ट में मैंने डायग्राम बनाया है ये अगर इसको आपको रिलेट करना होता तो ये m1 r1 l प्लस m2 r2 l डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। टू बॉडी के लिए आप ये पोजिशन वेक्टर सेंट्रल मास के लिए फाइंड कर लेते, फिर इसका डेरिवेटिव लेते तो आपको लेबोरेटरी फ्रेम में स्कैटरिंग पार्ट के लिए सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आपको पता चल जाता है। जनरली m1 v1 l प्लस m2 v2 l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। बट अभी आपको ये बताया कि लेबोरेटरी फ्रेम में ये टर्म आप जीरो लेते हैं, तो जैसे ही आपने ये जीरो किया तो m1 v1 l बाय m1 प्लस m2, इस डायग्राम में जो सेंट्रल मास की वेलोसिटी है वो ये बनेगी। अब सेंट्रल मास को रेस्ट पे लाने के लिए आप यहाँ से सेकंड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है सेंट्रल मास में वो क्या यूज करेंगे वो आपको यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। इसको अपोजिट डायरेक्शन से इसको वीसीएम को जीरो करने के लिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है सेकेंड पार्टिकल की वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया मैंने यहीं कर दिया, जो पहले आपने 12th लेवल पे सेंट्रल मास के लिए प्रॉब्लम सॉल्व भी किया होगा उसके लिए आपको ये एक्सप्रेशन से आप यूज करते हैं। स्कैटरिंग के लिए टू पार्टिकल्स हैं, टारगेट इनिशियली रेस्ट पे है, तो ये फॉर्म आपको कंफर्म हो गया। अब जो आपको ये हिंट कर रहा था कि ये पोजिशन वेक्टर चेंज होता जाएगा, क्यों चेंज होता जाएगा क्योंकि ये पोजिशंस चेंज हो रहे हैं। चेंज होने से ये वेलोसिटी भी नॉन जीरो आई, वेलोसिटी नॉन जीरो होने से ये लेबोरेटरी फ्रेम को अगर आप फिक्स कर दें तो लेबोरेटरी फ्रेम के रेस्पेक्ट में ये जो फ्रेम है वो इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से मूव करता जाए। अब यहाँ पे अब ये ट्रायंगल बन गया, वेक्टर्स के ये एरो मैंने रिप्रेजेंट किए हुए हैं और एक ट्रायंगल बन गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए आप ट्रायंगल ही बनाते थे। अब चेक करिए अगर एरो की डायरेक्शन में जाएंगे तो आर और आर सी डीज का सम करें तो आर एल मिलेगा। तो ये रिलेशन से आपको पोजिशन वेक्टर्स बोथ फ्रेम में एक पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए रिलेट हो गए। अब ये रिलेशन चाहे फर्स्ट पार्टिकल के लिए अप्लाई करें चाहे सेकंड के लिए अप्लाई करें, अगर आप इसको डिफरेंशियल कर देंगे इस रिलेशन को तो वेलोसिटी के रिलेशन भी आपको फाइंड हो गए बोथ फ्रेम के लिए।
VL is equal to VCM plus VC. ये रिलेशन बिफोर स्कैटरिंग और आफ्टर स्कैटरिंग ऑल टाइम ये डायग्राम को रेफरेंस लें और फाइंड कर सकते हैं। तो एक बेसिक मैथमेटिक्स आपको दीज टू फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स रिलेट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा, वो मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर। अब आपको ये पिक्चर को रिलेट करना था बोथ फ्रेम्स के कोऑर्डिनेट्स के लिए, आपको रिलेशन चाहिए स्कैटरिंग के लिए, रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल्स इन लैब फ्रेम एंड सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम का रिलेशन, वेलोसिटी का रिलेशन, वो ऑल रिलेशंस आप मैकेनिक्स में फाइंड करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी फाइंड करते हैं बोथ फ्रेम के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको जो ये बोथ फ्रेम्स पढ़ रहे हैं वो स्कैटरिंग एंगल को रिलेट करने के लिए पढ़ रहे हैं। तो स्कैटरिंग एंगल को रिलेट करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ये कोई एक पार्टिकल के लिए जब ये रिलेशन लेंगे, सपोज ये फर्स्ट पार्टिकल का रिलेशन है आफ्टर स्कैटरिंग, तो ये कोऑर्डिनेट R1C डैश हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट R1L डैश हो जाएगा और ये R रहेगा। अब इसी में वेलोसिटी का रिलेशन, ये V1L डैश, ये VCM, ये V1C डैश बन जाएगा। फर्स्ट पार्टिकल के लिए आफ्टर स्कैटरिंग ये रिलेशन V1L डैश प्लस VCM प्लस V1C डैश। अब आपको ये V1L डैश पता है और ये V1C डैश पता है, इस रिलेशन को जब आप वेक्टर सम करेंगे तो एक कंपोनेंट वाइज भी ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए भी ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए भी सेटिस्फाई होगा। तो पहले अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम इस डायग्राम से फाइंड करें तो V1L डैश का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा V1L डैश मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ दिस एंगल। इस पार्ट पे आइए, V1 डैश मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ दिस एंगल और सेंटर ऑफ मास फ्रेम अभी आपको मैंने बताया इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन करेगा बिफोर स्कैटरिंग भी और आफ्टर स्कैटरिंग भी इन लैब फ्रेम। इजी वे में आप ये कंपोनेंट का रिलेशन जब यहाँ पे फाइंड करेंगे तो V1L डैश मैग्नीट्यूड cos theta 1L is equal to VCM magnitude horizontal part के लिए cos 0, ये VCM magnitude में convert हो गया। V1C dash cos theta 1C ये horizontal component के लिए इस relation को मैंने जो both frame में diagram बनाया है scattering का उससे मैंने note कर दिया। अब vertical component पे जाएं तो vertical component यहाँ पे इस part में sine part आ जाएगा, सेंटर मास के लिए कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है तो V1L डैश साइन थीटा 1L इज इक्वल टू V1C डैश साइन थीटा 1C। ये कंपोनेंट वाइज इस वेक्टर रिलेशन के रिलेशंस मैंने नोट कर दिए। हमें एंगल को रिलेट करना है और एंगल को रिलेट करने के लिए आप चेक करिए यहाँ पे लेफ्ट फ्रेम का एंगल है और यहाँ पे सेंटर मास फ्रेम का एंगल। अगर आप इस इक्वेशन में इस इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो लेफ्ट साइड में जब डिवाइड किया तो ये मैग्नीट्यूड टर्म कैंसिल आउट हो गए तो ये टेन थीटा 1L बनेगा। राइट साइड में V1C डैश साइन थीटा 1C डिवाइडेड बाई V1C डैश कॉस थीटा 1C प्लस VCM। यहां से V1C डैश कॉमन ले लीजिए, तो साइन थीटा 1C डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 1C प्लस VCM बाई V1C डैश। सेंटर मास वेलोसिटी और फर्स्ट पार्टिकल की आफ्टर स्कैटरिंग सेंटर मास में वेलोसिटी के टर्म्स में ये एंगल इन बोथ फ्रेम
आपको रिलेट हो गया। इंसिडेंट पार्टिकल के लिए आपको मैंने हिंट किया कि स्कैटरिंग एंगल नोटेशन लेंगे थीटा, तो फर्स्ट पार्टिकल इंसिडेंट पार्टिकल था। अब बोथ फ्रेम में लेफ्ट फ्रेम के लिए नोटेशन एल से और सेंटर मास में नोटेशन सी से आपको ये रिप्रेजेंट कर दिया। अगर आपको ये वेलोसिटीज दी हुई होंगी, अगर कोई एक फ्रेम में आपको ये एंगल पता हो तो अनदर में आप कैलकुलेट कर सकते। अब यही रिलेशन को कई बार आपको पार्टिकल के मास से रिलेट करना है, तो मास से रिलेट करने के लिए आप यहाँ पे कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, तो ये मास में कन्वर्ट हो जाएगा। और इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंट्रो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एम वन वी वन सी, क्योंकि यहाँ पे ये रिलेशन है सेंटर मास फ्रेम के लिए, ये जो नोटेशन है, तो मैं बिफोर स्कैटरिंग लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन सेंटर मास फ्रेम, इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। एक पर्टिकुलर फ्रेम के लिए आप कंजर्वेशन कंडीशन नोट करेंगे और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में रहते हैं, तो इसीलिए आपको इस कंडीशन से, जो मैथमेटिकल कंडीशन से है, आपको पता होना चाहिए कि ये टर्म अपोजिट साइन में आएंगे तभी ये सम जीरो बनेगा। और अपोजिट साइन में आने के लिए आपको यही, आपको यहाँ पे हिंट किया है, चेक करिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी है और अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे भी। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन बोथ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, तो हाफ एम वन वी वन सी स्क्वेयर प्लस हाफ एम टू वी टू सी स्क्वेयर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिफोर स्कैटरिंग इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर स्कैटरिंग। दीज टू रिलेशंस यूज करेंगे, यहां से वी टू सी की वैल्यू या वी वन सी की वैल्यू जब यहां पे प्लेस करेंगे तो वी टू सी और सेंटर मास वेलोसिटी के टर्म्स में आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो एक पार्ट को आप एलिमिनेट कर देंगे जो भी आपको एलिमिनेट करना है, तो वी वन सी और वी सी एम का जब रेशियो फाइंड करेंगे दीज टू इक्वेशंस को यूज करके, तो ये मास के रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वेलोसिटीज को फाइंड करने का हिंट दिया हो या पार्टिकल्स के मास आपको डिफाइन किए हुए हैं, तो ये एंगल का जो रिलेशन अभी आपको मैंने वेलोसिटी में आपको फाइंड कराया था, अब यही रिलेशन आप मास में कन्वर्ट कर दो। वी सी एम बाई वी वन सी डैश इज इक्वल टू एम वन बाई एम टू, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। सर हेलो, हाँ जी सर, ये इलास्टिक स्कैटरिंग वाला पार्ट है, वो फिर से बताएंगे क्या डाउट है? इक्वेशन डाउट बताइए। ये सबसे इक्वेशन जीरो किया लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, ये पार्ट्स क्लियर हो रहा है? नहीं, जीरो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्लियर है ये? नहीं, आपको इलास्टिक स्कैटरिंग लास्ट लेक्चर में हिंट किया था कि इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए सिस्टम की टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, तो ये लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर स्कैटरिंग है, ये लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर स्कैटरिंग है, मैच करने चाहिए। बट ये नोटेशन पे आई है, किस फ्रेम के लिए है ये बोलिए? सेंटर मास फ्रेम के लिए। तो सेंटर मास फ्रेम के लिए ये टर्म्स, जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम है वो सेंटर मास का मोमेंटम भी तो बताएगा या नहीं? बोलिए। और सेंटर मास का मोमेंटम सेंटर मास फ्रेम में क्या है? अगर सेंटर मास रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम क्या बनेगा? जीरो बनेगा ना, यही डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी।
ये जीरो सेंट्रो मास वाली कंडीशन से यूज किया है। तो दोनों रिलेशंस को आप यूज करेंगे, यहां से कुछ जिस वेलोसिटी को आपको एलिमिनेट करना होगा उस वेलोसिटी को इस रिलेशन में प्लेस करेंगे तो आपको ये रेशियो पता चल गया, और ये रेशियो आपने यहाँ पे प्लेस किया तो ये एंगल का रिलेशन आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होगा। तो ये रिलेशन रिलेशन बिटवीन स्कैटरिंग एंगल इन बोथ फ्रेम्स। अब सिमिलर अप्रोच से चाहे तो आप ये रिपीट कर दीजिए सेकेंड पार्टिकल के लिए, यही टर्म्स को रिपीट करते जाएंगे सेकेंड पार्टिकल के लिए, फिर से ये डायग्राम आप यूज करेंगे सेकेंड पार्टिकल के लिए। तो आप ये एंगल जो स्कैटरिंग एंगल नहीं है, ये टारगेट का एंगल था, ये टर्म्स भी आप रिलेट कर सकते हैं। स्कैटरिंग एंगल का रिलेशन आपको थीटा वन सी स्कैटरिंग एंगल बताया है, मैंने बताया कि इंसिडेंट पार्टिकल का इनिशियल डायरेक्शन से जो डिफ्लेक्शन है वो स्कैटरिंग एंगल है। बट सिमिलर अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको टेन थीटा टू एल बी थीटा सी से थीटा टू सी से रिलेट हो जाएगा, सिमिलर रिलेशन बनेगा सेकेंड पार्टिकल के कॉर्डिनेट के टर्म्स में, साइन थीटा टू सी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा टू सी प्लस वी सी एम डिवाइडेड बाई ये पार्टिकल सेकेंड पार्टिकल के टर्म्स में रिलेट करेंगे, फिर इसको मास में एलिमिनेट करेंगे तो ये एम वन बाई एम टू वन, ये रिलेशन आपको आप कंपेयर करिए लास्ट पार्ट से, यही सेम रिलेशन आपको अगर ये कोऑर्डिनेट को चेंज कर दें, वन को टू से रिप्लेस कर दें यहाँ पे एंगल पार्ट के लिए तो सेम रिलेशन हो गया। बट आपको सेंट्रो मास में बोथ पार्टिकल्स के एंगल का रिलेशन पता है, इस साइन थीटा टू सी को आप इस डायग्राम में रेफरेंस लीजिए कि सेंट्रो मास के लिए पाई माइनस थीटा वन सी आप रिप्लेस कर सकते हैं थीटा टू सी के प्लेस पे, और जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा, मैं एक स्टेप और इंक्रीज कर दे रहा हूं यहाँ पे, जिस पार्टिकल का एंगल रिलेट करना है उसके टर्म्स में तो रिलेशन सेम है, बट स्कैटरिंग एंगल के टर्म्स में अगर इसको कन्वर्ट करना होगा तो थीटा टू सी को मैंने पाई माइनस थीटा वन सी रिप्लेस कर दिया, और ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन अगर करेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये रिलेशन टारगेट के लिए बनेगा बट इन स्कैटरिंग एंगल। तो बोथ रिलेशन को चेक कर लीजिए, इस रिलेशन में और रिलेशन में क्या चाहिए, दोनों में अगर जिस पार्टिकल के लिए एंगल लेबोरेटरी फ्रेम में फाइंड करना है उसी के लिए सेंट्रो मास में एंगल ले रहे हैं तब ये साइन प्लस है, बट अगर फर्स्ट पार्टिकल के लिए एंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ये माइनस है, जबकि फर्स्ट पार्टिकल के टर्म्स में ये प्लस था। तो कहीं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होगा रिलेशंस, मैंने आपको डिस्कस कर दिए। कभी आपको मोमेंटम का रिलेशन चाहिएगा ये आप चेक करिए यहाँ से, ये आपने लेबोरेटरी फ्रेम का देखो, तो जो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए रिक्वायर्ड था वो आपने कंप्लीट कर लिया, बट क्लासिकल मैकेनिक्स में हो सकता है कि आपको सर फिर से डिस्कस करें बोथ फ्रेम को, मैं इसी में हिंट कर दे रहा हूँ। अरे तो बाबू चावल तो खा ले, रोटी तो खा ले, चावल दो रोटी, हाँ दो रोटी मिल दे। अरे म्यूट कर लो मोनिका, म्यूट कर लो आप। कोई स्कैटरिंग एंगल को रिलेट करना था क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, मैंने बोथ फ्रेम का पहले बेसिक डिफरेंस बताया, डायग्राम रिलेट किए और मैंने स्कैटरिंग एंगल का रिलेशन बता दिया। हो सकता है कि सर आपको क्लासिकल मैकेनिक्स वाले सर फिर से बोथ फ्रेम्स को डिस्कस करें, जो क्लासिकल मैकेनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड होंगे उनको डिस्कस करने के लिए, बट थोड़ा मैं आपको इसी डायग्राम को रेफरेंस लेके हिंट कर दे रहा हूँ। आपको बोथ पार्टिकल्स बोथ फ्रेम के लिए पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, एक फ्रेम में वेलोसिटी दिया होगा अनदर में कैलकुलेट करना है, तो आप चेक करिए वेलोसिटी आपको यहाँ पे सेंट्रो मास की वेलोसिटी लेबोरेटरी फ्रेम में फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी से रिलेटेड है, ये वीसीएम की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे
वी वन एल आपको पता है, एम वन वी वन एल बाई एम वन प्लस एम टू, ये अगर डायग्राम पता हो, ये रिलेशंस से पता चल गया, और ये रिलेशंस जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं उनको आप जो भी कैलकुलेट करना होगा उसके लिए यूज करते जाइए। ये लेबोरेटरी फ्रेम के कोऑर्डिनेट्स एक साइड ले गए, वी वन एल कॉमन ले लिया, वन माइनस एम वन बाई एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू वी वन सी। आप चेक करिए, ये यहाँ से एम वन कैंसिल आउट हो गया, तो एम टू बाई एम वन प्लस एम टू जो रिक्वायर्ड होगा इसी रिलेशन को फॉलो करते जाइए, आपको रिजल्ट फाइंड हो जाएंगे। अगर आपको सेंटर मास फ्रेम में वेलोसिटी दिया है, लैब में कैलकुलेट करना है, तो ये एम वन प्लस एम टू राइट में चला जाएगा ये रेशियो। अगर आपको लेबोरेटरी फ्रेम में पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है, सेंटर मास में क्या होगी वो आपको कैलकुलेट हो गई, जो मैंने इस डायग्राम में जनरली हिंट भी किया कि ये वेलोसिटी डिफरेंट है। ऐसे ही सेकेंड पार्टिकल के लिए आप कैलकुलेट कर लें इस रिलेशन में प्लेस करके। अगर आपको मोमेंटम चाहिए, एम वन मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोमेंटम फाइंड हो गया। काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम से आप काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लें। तो बोथ फ्रेम में जो भी आपको रिलेशन चाहिए, वेलोसिटी का रिलेशन, पोजिशन का रिलेशन, मोमेंटम का रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन, वो दीज रिलेशन को यूज करके फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बोलिए जी सर। फाइंड कर पाएंगे सभी? यस सर। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक डायग्राम है। आप फ्रेम को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, लेबोरेटरी सेंटर मास फ्रेम को, यही डायग्राम आप 12th लेवल से यूज करते आ रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए। वही मैंने आपको यहाँ पे बेसिक पार्ट को यूज किया और आगे फॉलो करा दिया, जो भी रिक्वायर्ड होगा आप फाइंड कर सकते। पेज नंबर 101, प्रॉब्लम नंबर 8, ये स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 101, प्रॉब्लम नंबर 8, After a perfectly elastic collision of two identical balls, one of which was initially at rest, the velocities of both balls are non-zero. The angle theta between the final velocities in the laboratory frame. जो first statement है, आपको laboratory frame का hint दिया हुआ है। After a perfectly elastic collision of two identical balls, one of which was initially at rest. ये आपको कंफर्म हो गया कि लेबोरेटरी फ्रेम में टारगेट इनिशियली रेस्ट पे होता है, तो टू पार्टिकल्स में एक इंसिडेंट पार्टिकल होगा और एक टारगेट होगा, तो जो रेस्ट पे है वो टारगेट हो गया, बट दोनों आइडेंटिकल मास के थे, ठीक है, तो इसलिए मेंशन किया कि वन ऑफ विच वाज इनिशियली एट रेस्ट। तो इस पॉइंट तक, एट रेस्ट तक आपको ये हिंट हुआ कि जो हिंट दिया है वो लेबोरेटरी फ्रेम का है। अब आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू करें, द वेलोसिटीज ऑफ बोथ द बॉल्स आर नॉन जीरो। ये वेलोसिटीज कब दी हुई है, ये हिंट कब दिया है? After scattering, क्योंकि बिफोर स्केटरिंग तो कोई एक velocity जीरो है। The angle is theta between the final velocities in lab frame is, आपको यहाँ पे ये m mass का पार्टिकल है, बिफोर स्केटरिंग ये इधर मूव कर रहा है, और अनदर पार्टिकल सेम मास के लिए है, ये रेस्ट पे है। After scattering, ये पार्टिकल इधर मूव किया, ये पार्टिकल इधर मूव किया। अब आगे स्टेटमेंट कंटिन्यू करें, द एंगल थीटा बिटवीन द फाइनल वेलोसिटीज इन लेफ्ट फ्रेम। तो ये लेफ्ट फ्रेम है और आपको यहां पे पूछा है ये एंगल थीटा है, एंड थीटा इन दिस केस इज द सम ऑफ टू एंगल्स, थीटा वन एल एंड थीटा टू एल। ये सभी को क्लियर हो गया? जो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट दिया है वो मैंने आपको
उससे डायग्राम हिंट कर दिया, ये टोटल एंगल थीटा दिया हुआ है, बट इंडिविजुअल एंगल आपको यहाँ पे कंफर्म है थीटा वन एल और थीटा टू एल लेफ्ट फ्रेम के लिए। आप लेफ्ट फ्रेम के लिए कंजर्वेशन लॉज अप्लाई करके भी ये थीटा वन एल और थीटा टू एल फाइंड कर सकते हैं, और बोथ को सम कर देंगे तो थीटा पता चल जाएगा। बट एक इजी अप्रोच है, अगर यही पार्ट आप सेंट्रो मास फ्रेम के लिए फाइंड कर लें पहले, तो सेंट्रो मास में आप ये वैल्यूज इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो सेंट्रो मास फ्रेम के लिए मैंने ये पार्टिकल इधर मूव किया, ये पार्टिकल इधर मूव किया, एक पार्टिकल की वेलोसिटी इधर, अनदर के लिए इधर, ये थीटा वन सी और ये थीटा टू सी। अगर ये थीटा वन सी और थीटा टू सी इजीली फाइंड कर लें तो ये एंगल पाई है वो यहाँ पे, ये टोटल एंगल थीटा वन सी प्लस थीटा टू सी आपको पाई दिया हुआ है, ये पाई सेंटर मास फ्रेम के डेफिनेशन से है। अब आपको बोथ फ्रेम के रिलेशंस आपको यहाँ पे मैंने बताए, इन रिलेशंस को यूज कर लीजिए। डायग्राम आपको मैंने फिर से इसलिए ड्रॉ किया जिससे आपको ये मीनिंग क्लियर रहे। टेन थीटा वन एल इज इक्वल टू साइन थीटा वन सी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन सी प्लस एम वन बाई एम टू, और स्टेटमेंट रीड करिए ऑफ टू आइडेंटिकल बॉल्स, और आइडेंटिकल बॉल्स के लिए मास आप सेम लेके चलेंगे तो ये रेशियो वन हो गया। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन करिए, थीटा वन एल इज इक्वल टू टू साइन थीटा वन सी बाई टू कॉस थीटा वन सी बाई टू डिवाइडेड बाई, यहाँ पे प्लस वन है तो टू कॉस स्क्वेयर थीटा वन सी बाई टू माइनस वन, यहाँ से आपको ये टू एडजस्ट हो गया, कॉस थीटा का वन पावर एडजस्ट हो गया, ये वन एडजस्ट हो गए तो रेशियो बना साइन थीटा वन सी बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वन सी बाई टू, जिसको आप नोट कर सकते हैं टेन थीटा वन सी बाई टू। बोथ साइड से टेन के आर्गुमेंट को कंपेयर किया तो थीटा वन एल इज इक्वल टू थीटा वन सी बाई टू। अब आप ये रिलेशन यूज करेंगे तो थीटा टू एल भी आपको सेम रिलेशन में कंफर्म हो जाएगा, थीटा टू एल इज इक्वल टू थीटा टू सी बाई टू। बोथ को ऐड कर दीजिए तो थीटा वन सी प्लस थीटा टू सी बाई टू, और ये रिलेशन आपको पता है तो पाई बाई टू, तो थीटा दैट इज थीटा वन एल प्लस थीटा 2L, ये आपको पाई बाई टू बता सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट बन गया। तो एंगल पे बेस क्वेश्चन पूछा है इसलिए मैंने एंगल का रिलेशन आपको ड्राइव किया और ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर दिया। अब डिस्कस करते हैं बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, इस पे मोर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन प्लीज एक बार बैक कर दीजिए। ओके सर, हो गया। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन और आपके जो सिलेबस में है स्पेशली फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन,
कोई थोड़ा मैं आपको यहाँ पे हिंट कर देता हूँ, अगर यहाँ पे आप ये टारगेट कंसीडर कर रहे हैं और टारगेट जब आप कोई मटेरियल का स्पेसिमेन लेते हैं या आप कोई एटम ले रहे हैं, तो एटम्स में आपको लास्ट लेक्चर में भी ये मैंने हिंट किया था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर स्कैटरिंग सेंटर्स स्कैटरिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ईच इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग सेंटर की तरह वर्क करेगा। अगर एटम से स्कैटरिंग है तब उसको वन कंसिडर कर लेंगे, अगर न्यूक्लियन से स्कैटरिंग है, न्यूक्लियस से हो रही है, तब उसको फिर से वन हो जाएगा। बट अगर इंडिविजुअल न्यूक्लियन से है तो जितने न्यूक्लियंस होंगे वो स्कैटरिंग सेंटर्स की तरह रोल करें। अब यहाँ से आपने सम पार्टिकल्स, जो पार्टिकल का बीम है, इंसिडेंट पार्टिकल बीम, यहाँ पे मोर पार्टिकल्स इधर इंसिडेंट कर रहे हैं, अब अगर इस टारगेट का इफेक्ट पुअर है, स्कैटरिंग पोटेंशियल पुअर है, स्ट्रॉन्ग स्कैटरिंग पोटेंशियल नहीं है और इस पार्टिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो इस टारगेट के रीजन में, इस टारगेट के नेबरहुड में ये पार्टिकल्स, जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, वो लेस टाइम के लिए इंटरेक्ट करेंगे, लेस टाइम के लिए प्रेजेंट रहेंगे, इंट्रैक्शन लेस टाइम के लिए होगा। तो इसके इंट्रैक्शन लेस टाइम के लिए होगा तो वहाँ पर आप ये थिंक कर सकते हैं कि इसकी जो वेव थी, उसके जो वेव फंक्शन है उसमें मॉडिफिकेशन, माइनर मॉडिफिकेशन हो। अगर वो मोर टाइम के लिए इंटरेक्ट करे, इसका इफेक्ट अगर स्ट्रांग हो जाए तो मोर टाइम के लिए इंटरेक्ट करेगा, तब वेव फंक्शन में मॉडिफिकेशंस, मोर मॉडिफिकेशंस होंगे। अब एक और पॉइंट यहाँ पर आपको हिंट कर रहा हूँ कि अगर ये टारगेट पुअर है, अगर पार्टिकल यहाँ पे स्कैटर्ड हो गया, ये एक सिंगल पार्टिकल यहाँ से इंसिडेंट किया और ये पार्टिकल इस पॉइंट से इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करके इस एंगल पे वो स्कैटर्ड हो गया। अब जब ये मूव करेगा तो पॉसिबिलिटी ये है कि इसके पाथ में फिर से कोई अनदर स्कैटरिंग सेंटर आ सकता है, इसे आगे मूव किया तो ये स्कैटरिंग सेंटर भी यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे आगे मूव करेगा तो ये फिर से इससे भी स्कैटर्ड हो सकता है, इसके स्कैटर्ड होके अब की बारी सपोज इधर मूव कर गया, तो यहाँ पे स्कैटर्ड हुआ सेम पार्टिकल और इस पॉइंट पे स्कैटर्ड हो गया। जब इस पॉइंट पे स्कैटर्ड हुआ तो ये डबल स्कैटरिंग हुई इसकी, तो इसको तो बोलेंगे डायरेक्ट स्कैटरिंग, वन टाइम जो स्कैटरिंग होगा, और ये जो नेक्स्ट टाइम स्कैटरिंग हुआ इसको बोलेंगे री स्कैटरिंग। फिर से इसके अगर मोर स्कैटरिंग सेंटर्स होते तो ये इससे भी स्कैटर्ड हो सकता था, तो ये फिर से री स्कैटरिंग होगा, बट री स्कैटरिंग यहाँ पे टू टाइम्स हो गया। तो जैसे जैसे इसके पाथ में मोर स्कैटरिंग सेंटर्स आते जाएंगे, चांसेस हैं कि पार्टिकल फिर से स्कैटर्ड हो सकता है, जिसको आप री स्कैटरिंग वर्ड यूज करें। अब अगर इस टारगेट का इफेक्ट पुअर है तो इस री, ये डायरेक्ट स्कैटरिंग का जो कंडीशन आएगा उस कंडीशन के रेस्पेक्ट में री स्कैटरिंग का कंडीशन लेस आएगा, वेरी स्मॉल होगा, तो आप ये री स्कैटरिंग को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट अगर इसका इफेक्ट स्ट्रांग है तो अगर आप ये डायरेक्ट स्कैटरिंग का जो कंडीशन लेंगे, फिर जब री स्कैटरिंग लेंगे तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो कंपेरेबल हो सकते हैं, वो कंपेरेबल होंगे। तो अगर आप ये नेग्लेक्ट कर देंगे तो जो रिजल्ट आपने फाइंड किया उसमें एरर इंक्रीज हो जाएगा, रिजल्ट एक्यूरेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन है इसमें री स्कैटरिंग को, ऑल टाइप्स ऑफ री स्कैटरिंग को नेग्लेक्ट किया है, ओनली डायरेक्ट स्कैटरिंग का कंडीशन यहाँ पे इंक्लूड किया है। बट जो यहाँ पे वर्ड यूज किया फर्स्ट, ऐसे ही अगर सेकंड बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं थोड़ा हिंट कर रहा हूँ सेकंड बॉर्न अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, जब थ्री टाइम स्कैटरिंग होगी, ये वन, ये टू और ये थ्री, तो टू टाइम, ये थ्री टाइम स्कैटरिंग होगी या इससे हायर टाइम स्कैटरिंग अगर है तो वन टाइम डायरेक्ट स्कैटरिंग, ये रिमेनिंग जो स्कैटरिंग टर्म है उनको री स्कैटरिंग कंसिडर करेंगे। तो सेकेंड बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में आपको डायरेक्ट स्कैटरिंग का कंडीशन लेना है और फर्स्ट री स्कैटरिंग का कंसीडर करना। तो टू टाइम स्कैटरिंग लेंगे सेकंड बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में वन टाइम स्कैटरिंग, दैट इज डायरेक्ट स्कैटरिंग, सेकंड बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में टू टाइम स्कैटरिंग, इट मींस वन डायरेक्ट स्कैटरिंग, वन री स्कैटरिंग। ऐसे ही थर्ड बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में थ्री टाइम स्कैटरिंग कंसिडर करेंगे, एक डायरेक्ट स्कैटरिंग और टू टाइम्स री स्कैटरिंग।
अगर nth बॉर्न अप्रोक्सीमेशन है तो nth बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए आप n टाइम स्कैटरिंग कंसीडर करेंगे सेम पार्टिकल का विद डिफरेंट स्कैटरिंग सेंटर्स. तो nth बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में n टाइम स्कैटरिंग होगा और n टाइम स्कैटरिंग में वन टाइम डायरेक्ट स्कैटरिंग है और रिमेनिंग रीस्कैटरिंग है. तो वन डायरेक्ट स्कैटरिंग और n माइनस वन रीस्कैटरिंग. तो एक बेसिक आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि ये क्या, ये जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड होंगे वो क्या हिंट कर रहा है यहाँ पे, वो नंबर ऑफ स्कैटरिंग का टाइम बता रहा है. वन टाइम स्कैटरिंग है तो फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, n टाइम स्कैटरिंग होगी तो nth बॉर्न अप्रोक्सीमेशन आएगा. बट ये सेकेंड थर्ड और nth बॉर्न अप्रोक्सीमेशन आपके सिलेबस में है. एक आइडिया आपको मैंने यहाँ पे जस्ट हिंट किया है कि फर्स्ट का यहाँ पे मीनिंग क्या है. ऑल टाइप ऑफ रीस्कैटरिंग यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे. जैसे जैसे आपको मोर एक्यूरेट रिजल्ट की रिक्वायरमेंट होगी ये आपको हायर अप्रोक्सीमेशन इंक्लूड करने पड़ेंगे. बट फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के रेस्पेक्ट में सेकेंड बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, थर्ड बॉर्न अप्रोक्सीमेशन का कैलकुलेशन मोर डिफिकल्ट होता जाएगा. तो ये जो मेथड है वो मोर डिफिकल्ट होता जाएगा, फिर आप चॉइस में कोई अनदर मेथड को कंसीडर करेंगे. तो कब एप्लीकेबल है वो आपको मैं स्टेटमेंट नोट करा रहा हूं. बॉर्न अप्रोक्सीमेशन और फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है इसलिए वर्ड अप्रोक्सीमेशन आ रहा है यहाँ पे. बॉर्न अप्रोक्सीमेशन और फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि आपके सिलेबस में हायर ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन नहीं है इसलिए कभी बॉर्न अप्रोक्सीमेशन वर्ड यूज किया होगा. दैट मीन्स फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इज यूज टू कैलकुलेट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इज यूज टू कैलकुलेट स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड और ये नोटेशन है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के लिए एफ थीटा फाइव इन द स्कैटरिंग in which scattering potential is weak and incident particle has large energy. By neglecting the rescattering of incident particle, जो भी मैंने आपको हिंट किया कि फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में ऑल टाइप ऑफ रीस्कैटरिंग नेगलेक्ट करेंगे, ओनली वन टाइम स्कैटरिंग कंसीडर करना है जो डायरेक्ट स्कैटरिंग होगा. कब एप्लीकेबल होगा वो आपको यहाँ पे हिंट है. स्कैटरिंग पोटेंशियल वीक होना चाहिए और इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी लार्ज होनी चाहिए जिससे रीस्कैटरिंग का जो कंडीशन है वो नेग्लिजिबल आए. जब ये कंट्रीब्यूट करेगा तब फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से जो रिजल्ट आएंगे उनमें एरर इंक्रीज हो जाएगा. अगर पोटेंशियल स्ट्रांग हो जाए तब आप रीस्कैटरिंग को नेगलेक्ट करेंगे तो रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आएगा. या पार्टिकल की एनर्जी स्मॉल हो तब स्कैटरिंग पोटेंशियल से जब रीस्कैटरिंग में जाएंगे तो रिजल्ट कंट्रीब्यूट कर सकता है. कंट्रीब्यूट करेंगे तो फिर से एरर इंक्रीज हो जाएगा. अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे क्या है, स्कैटरिंग पोटेंशियल वीक होने से जो स्कैटर्ड वेव फंक्शन में कंट्रीशन होगा, स्कैटर्ड वेव का कंट्रीशन
इंसिडेंट वेव के रेस्पेक्ट में और टोटल वेव फंक्शन के रेस्पेक्ट में वेरी स्मॉल आएगा. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ अप्रोक्सीमेशन इन बॉर्न अप्रोक्सीमेशन. और जब ये कंडीशन इंक्लूड करेंगे, देखो स्कैटरिंग पोटेंशियल के फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग आप श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, और श्रोडिंगर इक्वेशन का यहाँ पे सॉल्यूशन इजीली फाइंड नहीं होगा. तो आप अगर ये थोड़ा रिकॉल करें, मैं हिंट कर रहा हूँ जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे फाइंड होगा यहाँ पे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड. तो श्रोडिंगर इक्वेशन को इस स्कैटरिंग पोटेंशियल के फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए आप ग्रीन फंक्शन मेथड यूज करते हैं. मैथमेटिकल फिजिक्स में आपके सिलेबस में है ग्रीन फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जिसपे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे गए हैं. तो ग्रीन फंक्शन मेथड आप यूज करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. अब वहां से जो श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा आफ्टर स्कैटरिंग, उस स्कैटर्ड वेव को आप कंपेयर करेंगे एफ थीटा फाई एक्सपोनेंशियल आई के आर बाई आर, इससे कंपेयर करके आप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्म फाइंड करें. और बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्सीमेशन कंडीशन अप्लाई करके जब आप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के लिए कंपेयर करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन माइनस एम बाई टू पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल, पहले फॉर्म नोट कर लेंगे, फिर इनके ये जो नोटेशंस हैं इनको मैं यहाँ पे भी नोट कराऊंगा कि क्या रिप्रेजेंट करता है. एक्सपोनेंशियल आई के माइनस के डैश वेक्टर डॉट आर वेक्टर वी फंक्शन ऑफ वेक्टर आर डी टॉ. जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन को ग्रीन फंक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके आपको ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड होगा इन फर्स्ट बॉर्न अप्रोक्सीमेशन. और के क्या है, के डैश क्या है, के अगर कोई वेव इधर मूव कर रहा है इंसिडेंट वेव, तो दिस इज द वेव वेक्टर और प्रोपेगेशन वेक्टर फॉर इंसिडेंट वेव, और आफ्टर स्कैटरिंग इस डायरेक्शन में जाएगा, ये एंगल थीटा है. तो ये के की डायरेक्शन है, ये के डैश की डायरेक्शन है, और यहां से एक डिफरेंस फाइंड करेंगे कैपिटल के वेक्टर. अगर के और के डैश को आप ऐड कर दें, तो यहां से आपको कंफर्म हो गया के इज द रिजल्टेंट ऑफ के डैश वेक्टर प्लस कैपिटल के. और थोड़ा अलर्ट रहेंगे, कहीं हो सकता है कि मुझसे बाई मिस्टेक कैपिटल के और स्मॉल के दोनों सेम नोटेशंस ओवरलैप हो जाएं, तो अलर्ट रहना है कि कैपिटल के इज द डिफरेंस ऑफ के माइनस के डैश वेक्टर, स्मॉल के प्रोपेगेशन वेक्टर ऑफ इंसिडेंट वेव. एंड के डैश प्रोपेगेशन वेक्टर ऑफ स्कैटर्ड वेव. और ये दीज का डिफरेंस वेक्टर है. तो ये एक्सप्रेशन को माइनस एम बाई टू पाई एच क्रॉस स्क्वायर एक्सपोनेंशियल आई कैपिटल के डॉट स्मॉल आर वेक्टर वी फंक्शन ऑफ वेक्टर आर डी टॉ, ये स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन है फॉर एनी पोटेंशियल विद दिस कंडीशन. नोटेशन के मीनिंग मैंने यहाँ पे हिंट कर दिए. कई बार जब क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, तो वहां पे पोटेंशियल की फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये आइडिया रहेगा कि पोटेंशियल सेंट्रल पोटेंशियल है या नॉन सेंट्रल पोटेंशियल है. तो दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ पोटेंशियल, सेंट्रल एज वेल एज नॉन सेंट्रल पोटेंशियल. बट इस डीटा पार्ट का मीनिंग आपको बताना चाहिए, वॉल्यूम एलिमेंट है. तो दिस इज नॉट ए सिंगल इंटीग्रल, दिस इज ग्रुप ऑफ थ्री इंटीग्रेशन. नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको ट्रिपल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर रहा हूँ. और ट्रिपल इंटीग्रल के लिए आपको यहाँ पे जब कभी सेंट्रल पोटेंशियल की कंडीशन होगी,
तो आप ये डिफिकल्ट इंटीग्रेशन को एक इजी इंटीग्रेशन से सॉल्व करके प्रॉब्लम कंप्लीट कर पाएंगे। तो ऑल टाइम वो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, मैं यहीं पे कन्वर्ट करके बता दे रहा हूँ कि ये रिलेशन, ये इंटीग्रल पार्ट सेंट्रल पोटेंशियल के लिए किस इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में पहले इसका ये ट्रिपल इंटीग्रल पार्ट में नोट कर रहा हूँ। एफ थीटा फाई माइनस एम बाई टू पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल, ये रिपीट कर रहा हूँ जो लास्ट स्लाइड में है, इससे आप ये कंपेयर कर पाए। ये ऑल टाइप ऑफ पोटेंशियल को आप यूज करेंगे और इसी फॉर्म को माइनस एम बाई टू पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट फॉर आर कोऑर्डिनेट, जीरो टू पाई फॉर थीटा कोऑर्डिनेट एंड जीरो टू टू पाई फॉर फाई कोऑर्डिनेट। और डीटा को आप नोट करेंगे आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डी फाई। एक और आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, ये के और के डैश के बीच का एंगल मैंने स्कैटरिंग एंगल बताया था थीटा, बट एक एंगल आप यहाँ पे भी नोटेशन लेंगे थीटा, बट बोथ एंगल्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे तो आप इंटीग्रल कर रहे हैं, जबकि स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड में तो कोई एक पर्टिकुलर स्कैटरिंग एंगल आएगा थीटा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड के लिए, तो ये कोऑर्डिनेट्स दोनों चेंज कर देंगे। थीटा जो नोटेशन है वो स्कैटरिंग एंगल के लिए है, और ये थीटा डैश वेक्टर आपको मिलेगा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, जो थीटा डैश आप बीज के एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग आर के रेस्पेक्ट में के की डायरेक्शन से आर के वैल्यूज अलग अलग पोजीशंस पे होंगी, उन पे क्या एंगल बनेगा वो ऑल एंगल्स यहाँ पे इंटीग्रल कर रहा है। तो थीटा डैश से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे बोथ थीटा में आपको डाउट ना रहे, क्योंकि अगर ये थीटा पे इंटीग्रल कर देंगे सेम नोटेशन लेते तो ये थीटा यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है, जबकि दोनों थीटा नोटेशन डिफरेंट हैं। थीटा स्कैटरिंग एंगल है, थीटा डैश एंगल इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, जो आप ये इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे हैं। जो आर और कैपिटल के के बीच का एंगल है जनरली, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो ये के है जनरली आर पोजीशन यहां पे ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं, यहां पे ले रहे हैं, तो ये के की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन को रेफरेंस लेके ऑल एंगल्स आपको इंक्लूड हो जाएंगे जीरो टू टू पाई, जो यहाँ पे आपको हिंट हुआ है। अब अगर पोटेंशियल सेंट्रल पोटेंशियल है, इफ वी वेक्टर वी फंक्शन ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू वी फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इट मीन्स पोटेंशियल इज सेंट्रल पोटेंशियल। सेंट्रल पोटेंशियल और स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पहले आपको बताई हुई है, तो ये सिर्फ आर के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा, थीटा और फाई से इंडिपेंडेंट होगा। तो यहां पे जब आप ये इंटीग्रल करेंगे तो माइनस एम बाई टू पाई एच क्रॉस स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट, ये पोटेंशियल में फाई डिपेंडेंसी नहीं है, थीटा डिपेंडेंसी नहीं है, इस एक्सपोनेंशियल में जो एक्सपोनेंट पार्ट है एक्सपोनेंशियल आई कैपिटल के स्मॉल आर कॉस थीटा डैश वी फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर आर स्क्वायर डी आर साइन थीटा डैश डी थीटा डैश, तो ये थीटा डिपेंडेंट इंटीग्रल आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सर यहाँ पे थीटा कॉस थीटा होगा ना सर, कहाँ पे सर? ये एक्सपोनेंशियल आई के आर कॉस थीटा सर, स्कैटरिंग एंगल डायग्राम चेक करिए जो मैंने बताया पहले। ओके सर, लास्ट स्लाइड पे। ठीक है सर, ये के वेक्टर ये कैपिटल के और आर के बीच का जो एंगल है वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जेड से जो एंगल बनता है वो पार्ट बनेंगे, बट
स्कैटरिंग एंगल दीज टू वेक्टर के बीच का एंगल है। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर, हो गया। अब ये इंटीग्रल करेंगे माइनस एम बाई टू पाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप इस कॉस थीटा डैश को किसी अनदर वेरिएबल से रिप्लेस कर दीजिए, अनदर टर्म से रिप्लेस कर दीजिए। कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू टी माइनस साइन थीटा डैश डी थीटा डैश इज इक्वल टू डी टी। जब आप थीटा डैश को जीरो लेंगे तो कॉस जीरो, टी की वैल्यू वन बनेगी, और जब आप थीटा डैश को पाई लेंगे तो कॉस पाई टी की वैल्यू माइनस वन बनेगी। तो लिमिट जब आप जीरो टू पाई वाले पार्ट को कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट बनेगा वन टू माइनस वन, जो भी पॉइंट लास्ट लेक्चर में भी कई बार डिस्कस हो गया है, बट इस माइनस से ये लिमिट को आप एक्सचेंज करके फिर से माइनस वन टू प्लस वन कर सकते हैं। तो आर डिपेंडेंट इंटीग्रेशन एज सच, अब इस पार्ट में चेक करिए कहीं पे फाई नहीं है, एक पोटेंशियल पार्ट छूटा है यहाँ पे, वी फंक्शन ऑफ आर मैग्नीट्यूड आर स्क्वायर डी आर डी फाई। इस पोटेंशियल में कहीं फाई डिपेंडेंसी नहीं है, इस इंटीग्रेंड में कहीं फाई डिपेंडेंसी नहीं है, तो इस जीरो टू टू पाई इंटीग्रल डी फाई को आप टू पाई लिख सकते हैं। तो जीरो टू इंफिनिटी आर डिपेंडेंट इंटीग्रेशन। अब जीरो टू पाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस वन टू प्लस वन एक्सपोनेंशियल आई कैपिटल के आर टी डी टी वी फंक्शन ऑफ आर आर स्क्वायर डी आर माइनस एम बाई एच क्रॉस स्क्वायर, ये टू पाई कैंसिल आउट हो गया। अब ये टर्म का इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एस एच एक्सपोनेंशियल आई कैपिटल के आर टी बाई आई कैपिटल के आर लिमिट माइनस वन टू प्लस वन वी फंक्शन ऑफ आर आर स्क्वायर डी आर। अब यहां पे ये लिमिट वैल्यू प्लेस करेंगे, अपर लिमिट पे ये टर्म बनेगा एक्सपोनेंशियल आई के आर, और लोअर लिमिट पे एक्सपोनेंशियल माइनस आई के आर, और इस आर पावर वन से ये आर स्क्वायर टर्म आर पावर वन में एडजस्ट हो गया। और आप यहाँ पे कंपेयर करिए, अगर टू से मल्टीप्लाई कर लें और टू से डिवाइड करें तो ये फॉर्म बना एक्सपोनेंशियल आई के आर माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस आई के आर बाई टू आई के को आउटर में नोट कर देंगे, तो ये टर्म को आप साइन के आर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? जी सर। हेलो हेलो, कनेक्शन चला गया, कनेक्शन चला गया, टाइम भी हो गया वैसे। हाँ अब टाइम हो गया, मीटिंग कर दो फिर तो अभिषेक दास, एक मिनट बाद सर को मैसेज करो पर्सनली। सर तो का नंबर नहीं किसी के पास, होस्ट है सर अभी तक। अभिषेक दास होस्ट है की बात। आ गए सर, आ गए होस्ट। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग?
ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद ही डिस्कस करते हैं, लाइट चले जाने से डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। ब्रेक के बाद ही डिस्कस करते हैं। ओके सर, थैंक यू। शो कर दीजिए, ब्रेक के बाद ही दिखा देंगे सारी स्लाइड्स अभी कहां होगा। ओके सर।